Today, we will cover four feature of stockage. First one is market breadth, then derivative analytics, sector rotation, and sector analytics. So let's start with market breadth. So what is market breadth and how we can use market breadth? Someone is saying no sound. Please confirm if my voice is clear. Okay. So first thing is market breadth. So this is market breadth and how we can use market breadth. और ये हम लोग को क्या बताते हैं। तो मार्केट वेल बेसिकली कैन हेल्प अस टू सेंस द मार्केट कि मार्केट में क्या हो रहा है, अगर निफ्टी बढ़ रहा है गिर रहा है तो कहाँ पे ज्यादा ओवरऑल रैली हो रहा है या क्या हो रहा है। तो वी कैन क्लियरली सी निफ्टी 50, आउट ऑफ निफ्टी 50 स्टॉक्स ओनली 42% स्टॉक्स दैट आर अबव आरएस पॉजिटिव, 80% स्टॉक 20 एसएमए के ऊपर है, 82% स्टॉक 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है, एंड 76% स्टॉक जो कि 100 एसएमए के ऊपर है और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ऑलमोस्ट 86% स्टॉक्स है। सो क्लियरली वी कैन सी कि निफ्टी 50 में एक अच्छा मूव आ रहा है। और अब देखते हैं कि नहीं कहाँ से ये चीज है कि निफ्टी 50 में क्लिक करते हैं और ये एक डे वाइज डेट वाइज आपका एक ब्रेथ ओपन हो जाएगा। ऑन 4 जून जो कि डेटा बहुत खराब था, उसके बाद धीरे धीरे डेटा इंप्रूव होना स्टार्ट हुआ जो कि 5 और 6 जून से। नाउ वी हैव द डेटा फ्रॉम वेयर द निफ्टी हैज स्टार्टेड इम्प्रूविंग। नाउ गो टू ट्रेडिंग व्यू एंड वी कैन सी इफ माई डेटा एंड चार्ट आर इन सेम लाइन और नॉट। सो दिस इज द कैंडल ऑफ 4 जून एंड फ्रॉम देन निफ्टी स्लोली स्टार्टेड मूविंग ऑन द अपसाइड। एंड उसके बाद निफ्टी 500, निफ्टी बैंक, दीज आर द इंडेक्सेस दैट आर शोइंग स्ट्रेंथ। एंड वी कैन क्लियरली सी कि निफ्टी आईटी ओनली 10% स्टॉक्स दैट आर आरएस पॉजिटिव एंड ओनली 20% स्टॉक दैट आर एवर 100 एसएमए। तो मैक्सिमम स्टॉक्स जो है 80% स्टॉक 100 एसएमए के नीचे है। तो इस डेटा से वी कैन से क्लियरली से दैट वी शुड अवॉइड निफ्टी आईटी फॉर द टाइम बीइंग। हम लोग को उसी सेक्टर पे या उसी इंडेक्सेस पे फोकस करना है जहां पे ब्रॉडर व्यू बुलिश है या जहां पे स्ट्रेंथ दिख रहा है। तो इसी डेटा के बेसिस पे विद द हेल्प ऑफ चार्ट वी कैन सेंस द मार्केट कि मार्केट में क्या हो रहा है। नेक्स्ट इज पीरियोडिकल हाई लो। पीरियोडिकल हाई लो बेसिकली कुछ नहीं, ये दिखाता है कि हाउ मेनी स्टॉक्स फ्रॉम निफ्टी 50 इन 1 ईयर, 6 मंथ, 3 मंथ एंड 1 मंथ। यहाँ पे चारों आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो जो भी आप लोग को देखना है कि, और ये डे वाइज है। और इफ वी क्लिक हेयर दिस विल शो यू पीरियोडिकल हाई लो ऑन डे वाइज। तो थर्ड और 4 जून को लो जोन में काफी स्टॉक्स थे और हाई जोन में ओनली 5 स्टॉक्स वर देयर। तो ये थोड़ा आप बोल सकते हो कि नहीं कॉन्ट्रेरियन व्यू भी हम लोग को देता है कि जहाँ पे मैक्सिमम स्टॉक्स लो जोन पे है या लो जोन पे स्टॉक्स आर इंक्रीजिंग। समवन इज सेइंग माय स्क्रीन इज नॉट विजिबल। प्लीज कंफर्म इफ ऑल ऑफ यू कैन सी माय स्क्रीन। ओके ओके थैंक यू। सो दिस डेटा कैन हेल्प अस कि जितना डेटा स्ट्रांग होगा द नंबर ऑफ स्टॉक्स आर इन हाई जोन इन 1 मंथ, 3 मंथ एंड 6 मंथ दैट इंडिकेट्स दैट द निफ्टी और निफ्टी 50 और वट एवर द इंडेक्सेस यू आर चेकिंग इज स्ट्रांग और शोइंग वीकनेस। एंड लास्ट वन इज एडवांस डिक्लाइन। एडवांस डिक्लाइन भी सिमिलरली आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको दिखा देगा कि हाउ मेनी स्टॉक्स इन 19th जून फ्रॉम निफ्टी 50
आर्यन जो क्लोज हुआ था वो ग्रीन में क्लोज हुआ था या रेड में क्लोज हुआ था। तो ये हो गया ओवरऑल मार्केट ब्रेथ, कि मार्केट ब्रेथ को यूज करके आप कैसे मार्केट का अंडरटोन समझ सकते हो। और उसके साथ में हम लोग को निफ्टी का चार्ट भी देखना, और कहाँ पे ब्रॉडर व्यू है या नहीं है, कहाँ पे बेसिकली बाइंग आ रहा है, कौन सा इंडाइसेस ज्यादा स्ट्रांग है। इफ निफ्टी ब्रेथ इज स्ट्रांग, विच आर द इंडाइसेस दैट आर ऑल्सो शोइंग स्ट्रेंथ। बेसिकली दिस डेटा कैन हेल्प अस। तो एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग मार्केट ब्रेथ, देन वी कैन टेक फ्यू क्वेश्चन, देन वी विल मूव अहेड। व्हाट इज आर एस? आर एस इज बेसिकली रिलेटिव स्ट्रेंथ, कि लास्ट 55, यहाँ पे बाई डिफॉल्ट वी आर यूजिंग 55 ट्रेडिंग डेज, दैट इज बेसिकली 3 month ऑफ आर एस। आर एस मीन्स इन लास्ट 55 डेज जो निफ्टी का रिटर्न है विज अवेज इफ एनी स्टॉक्स दैट हैज मूव्ड मोर देन निफ्टी, और निफ्टी से उसका रिटर्न कम है, अगर निफ्टी से ज्यादा रिटर्न हुआ तो दैट विल बी आर एस पॉजिटिव। सो वी कैन क्लियरली से दैट 44%, 42% स्टॉक्स, इफ यू गो टू काउंट, कि ओनली 21 स्टॉक्स इन निफ्टी 50 ऑन 19 जून आर आउट परफॉर्मिंग निफ्टी। ओके, हियर यू कैन क्लिक फॉर परसेंटेज, एंड इफ यू क्लिक हियर इट विल शो अस एज पर काउंट। ओके, सर आर एस के बेसिस पे ब्रिजेश जी, इट विल नॉट हेल्प यू टू आइडेंटिफाई ओवरबॉट और ओवरसोल्ड। दिस इज ऑन आर एस आई, दिस इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम आर एस आई। ओके, नाउ वी विल कवर द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज डेरिवेटिव एनालिटिक्स। इन डेरिवेटिव एनालिटिक्स ये फ्यूचर का ऑप्शन है, दीज आर द स्टॉक्स दैट आर इन एफ एन ओ सेगमेंट, एंड यू कैन सिलेक्ट डे वाइज ऑल्सो फॉर टू चेक लास्ट 7 days में क्या हुआ था। सो अभी लास्ट हम लोग देखे कि नहीं, इन मार्केट ब्रेथ वी सी दैट मार्केट इज स्ट्रॉन्ग, सो फ्रॉम हेयर वी कैन फिल्टर एज पर आर अकॉर्डिंग टू आर बाइंग और सेलिंग क्राइटेरिया। दिस इज ओआई ट्रेंड, स्पॉट प्राइस, क्यूमुलेटिव ओआई, एंड दिस इज वॉल्यूम एंड डिलीवरी। द अपर वन इज कि वॉल्यूम का है डेटा, और कितना वॉल्यूम हुआ था लास्ट 5 days का, जो एवरेज वॉल्यूम है उसका कितना ज्यादा वॉल्यूम हुआ था। एंड द लोअर लाइन इज डिलीवरी डेटा, कि कितना ज्यादा डिलीवरी लास्ट 5 दिन का जो एवरेज डिलीवरी है उसका हुआ था। सो इफ निफ्टी ब्रेथ इज स्ट्रॉन्ग एंड ओवरऑल मार्केट इज शोइंग स्ट्रेंथ, फ्रॉम हेयर वी कैन ऑल्सो फिल्टर एग्रेसिव लॉन्ग, न्यू लॉन्ग, एग्रेसिव शॉर्ट, न्यू शॉर्ट। सो एज मार्केट इज स्ट्रॉन्ग वी विल फोकस ऑन एग्रेसिव न्यू लॉन्ग, एंड ऑन पर्टिकुलर डे ऑन 19 जून दिस डेटा कैन शो अस विच आर द स्टॉक्स दैट आर इन एग्रेसिव न्यू लॉन्ग। सो एक एग्रेसिव न्यू लॉन्ग का पूरा डेटा आपको मिल जाएगा, पूरा स्टॉक आपको मिल जाएगा। ऑल ऑफ यू कैन क्रिएट ए वॉच लिस्ट कि कहाँ पे आपको लॉन्ग जाना है। तो बेसिकली चंबल फर्टिलाइजर, कोरोमंडल, एक्सिस बैंक, दीज आर द स्टॉक्स। चंबल फर्टिलाइजर में देखिए कल स्टॉक प्राइस भी ऊपर गया, क्यूमुलेटिव ओआई भी ऊपर गया, और वॉल्यूम आप देखो कि ऑलमोस्ट एवरेज वॉल्यूम का 10 times वॉल्यूम हुआ था, एंड द डिलीवरी वॉज ऑल्सो 5 times ऑफ एवरेज डिलीवरी। सो वी शुड फोकस वेयर डिलीवरी एंड वॉल्यूम इज ऑन अ हायर साइड। सो जब एक बार ये डेटा मिल गया, अब उस पे जाके देखते हैं कि प्राइस एक्शन किया हुआ था, आवर फाइनल डिसीजन, और वी शुड टेक ट्रेड ओनली ऑन बेसिस ऑफ आर प्राइस एक्शन। दिस डेटा कैन हेल्प अस टू आइडेंटिफाई स्टॉक्स, टू फिल्टर द स्टॉक्स। इतने सारे स्टॉक के जो यूनिवर्स है, आउट ऑफ 180 एफएनओ स्टॉक्स आर देयर, यू कैन इजिली फिल्टर आउट स्टॉक्स विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा। लेट्स चेक चंबल फर्टिलाइजर। सी यस्टरडे ये था, और
ये कैंडल था कल का जो कि ब्रेकआउट दिया था एंड ब्रेकआउट के ऊपर क्लोज भी हुआ था विथ हायर वॉल्यूम। और हम लोग को ये डेटा मिल गया था 19 जून को, और आज देखिए द स्टॉक हैज ऑलरेडी मूव्ड 20%। चलिए एक और स्टॉक देखते हैं कि दूसरा कोई स्टॉक, सपोज कोरोमंडल। सी सिमिलरली कोरोमंडल तो काफी दिनों से ऊपर जा रहा है, तो बेसिकली इस स्टॉक पे आपको शॉर्ट नहीं करना है या अभी प्रॉफिट बुक नहीं करना है। ये डेटा हम लोग को क्लियरली ये दिखा रहा है कि डेटा स्ट्रांग है, तो इस स्टॉक पे अभी प्रॉफिट बुक भी नहीं करना, जाना है तो मेरे को सिर्फ लॉन्ग साइड पे ही जाना है। और नीचे अगर थोड़ा है तो IDFC बैंक में भी बहुत अच्छा वॉल्यूम और डिलीवरी हुआ था। लेट्स चेक IDFC बैंक। ये क्रेन से निकला 2 दिन पहले, ये कल का डेटा था, और आज भी स्टॉक ऑलमोस्ट 2% गेन हुआ। तो सिमिलरली दिस डेटा कैन हेल्प अस टू आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स एंड वीक स्टॉक्स एज पर योर ट्रेडिंग पैटर्न। यू कैन ऑल्सो फिल्टर एग्रेसिव न्यू शॉर्ट्स ऑल्सो। नाउ नेक्स्ट इज ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में क्या है कि दिस इज PCR डेटा, बेसिकली पुट कॉल रेशियो, कि हाउ मेनी पुट्स राइटर्स राइटिंग हैज हैपेंड वर्सेस कॉल। चेंज ऑफ PCR एक दिन के लिए, कि PCR का चेंज क्या हुआ स्पॉट प्राइस एंड परसेंटेज ऑफ चेंज। तो हम लोग को फोकस करना है कि जहां पे PCR इंप्रूव हो रहा है दैट मींस मोर पुट राइटर्स आर एक्टिव, दे विल ट्राई कि स्टॉक का प्राइस ऊपर की तरफ जाए। तो यहाँ पे एक बार रैंडमली देखते हैं कि मदरसन सुमी में ये ट्रेंड स्टार्ट हो गया था ऊपर जाने का, कि फ्रॉम 14th और 18 जून से, सॉरी 18 जून और आज से ये ट्रेंड ऊपर जा रहा है। और साइड में देख लेते हैं फ्यूचर वे भी, के फ्यूचर वे भी बोल रहे हैं कि नहीं एग्रेसिव न्यू लॉन्ग हुआ, शॉर्ट कवर हुआ। तो एक बार मदरसन सुमी को देखते हैं क्या होता है। ठीक, ये मदरसन सुमी का कल PCR भी अच्छा हुआ और प्राइस आज भी ऊपर गया था। एक और देख लेते, जैसे LIC, सॉरी LIC का तो PCR चेंज नेगेटिव में है, हमको फोकस करना है जहां पे PCR चेंज पॉजिटिव हो रहा है और ट्रेंड भी ऊपर की तरफ है। लेट्स चेक HDFC बैंक। अब देखो कि ऑन 10 जून द PCR वॉज 0.50, कि जितने कॉल राइटिंग थे ऑलमोस्ट उसके हाफ पुट राइटिंग है, और धीरे धीरे ये ट्रेंड ऊपर की तरफ आना स्टार्ट हो गया। और कल हम लोग को डेटा मिल गया कि ये बढ़ते बढ़ते 0.83 तक चला गया। और एक बार फ्यूचर का भी अगर डेटा देखें तो इसमें भी न्यू लॉन्ग और एग्रेसिव न्यू लॉन्ग इसमें हो गया था, और द वॉल्यूम एंड डिलीवरी डेटा ऑल्सो इंडिकेटिंग दैट दिस इज ए पॉजिटिव साइन। तो एक PCR डेटा मिल गया, प्राइस PCR ऊपर अप ट्रेंड में है वो भी पता चल गया, और फ्यूचर भी बता रहा है कि मेरे को ये न्यू लॉन्ग हो गया। तो एक बार HDFC बैंक जाके देखते हैं क्या हो रहा है। सो देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था जिसने कि एंड द स्टॉक गिवन ए ब्रेकआउट डे बिफोर येस्टरडे एंड डेटा ऑल्सो इंडिकेटिंग द सेम, कि ऑन 18 जून से न्यू लॉन्ग भी स्टार्ट हो गया और ऑप्शंस में प्राइस भी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जब ये दोनों चीज हो रहे हैं और प्राइस एक्शन भी मेरा फेवर में है, तो और वी कैन ट्राई कि इस पे लॉन्ग ट्रेड ही लेना है, और स्टॉक भी उसके बाद कल ही 3% बढ़ गया। सो दिस इज हाउ वी कैन टेक हेल्प ऑफ डेरिवेटिव एनालिटिक्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस।
टू आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स। तो कुछ क्वेश्चन है तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन ले लेते हैं। समन इज आस्किंग प्लीज क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ पीसीआर। पीसीआर डेटा इज बेसिकली, यहां पे अगर आप जाओगे, ये हो गया क्यूमुलेटिव। पीसीआर मीन्स पुट, जितना भी पुट राइटिंग हुआ है डिवाइडेड बाय कॉल, उसका जो नंबर्स आएगा दैट इज बेसिकली पीसीआर, पुट कॉल रेशियो। दिस इज, अगर ये अब वन है दैट मीन्स यहाँ पे जो पुट राइटिंग हुआ है वो कॉल राइटिंग से ज्यादा है। मोर द पुट राइटर्स आर एक्टिव दैट मीन्स इट इंडिकेट्स दैट दिस इज अ पॉजिटिव साइन, पुट राइटर्स विल ट्राई कि स्टॉक ऊपर की तरफ जाए। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में क्या हुआ, आप देखो ये जो ट्रेंड ऊपर की तरफ था, जो धीरे धीरे 0.687485888 ऑलमोस्ट 1 तक चला गया था, जो 12 जून को, देखो एलआईसी हाउसिंग देखते हैं, ये है 12 जून का डेटा, और इस दिन द डेटा इज शोइंग दैट देयर इज इंप्रूवमेंट इन पीसीआर आल्सो, प्लस ऑन 12 जून को एग्रेसिव न्यू लॉन्ग भी हुआ था। सो दोनों डेटा मेरे को बता रहे हैं कि यहाँ पे लॉन्ग जाना है, बुलिश ट्रेड लेना है, और उसके बाद स्टॉक ऑलमोस्ट 6% का मूव हो गया इन नेक्स्ट 3 डेज। एक फ्यूचर का स्टॉक नेक्स्ट 3 डेज में 6% इज ए गुड मूव। और अभी क्या हो रहा है कि नहीं, पीसीआर थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ आ रहा है, पुट्स अपने जो राइटिंग पुट राइटिंग ज्यादा हो रहा था वो थोड़ा थोड़ा अनवाइंड हो रहा है, और फ्यूचर में भी देखते हैं कि न्यू शॉर्ट कवर हुआ, तो अभी एक प्रॉफिट बुकिंग का एरिया बनता है कि आप लोग अगर कोई लॉन्ग है तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ओके एनी अदर क्वेश्चन? ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फीचर दैट इज सेक्टर रोटेशन। सो इन सेक्टर रोटेशन देर आर टू लेवल्स, लेवल वन एंड टू। लेवल वन कैन गिव अस द ओवरव्यू ऑफ द सेक्टर्स ऑन बेसिस ऑफ मार्केट ब्रेथ, डिलीवरीज एंड वीवैप दैट इज वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। तो यहाँ पे डे वाइज आप लास्ट 7 दिन का डेटा देख सकते हो, तो ऑन डे वाइज विच आर द स्टॉक्स, विच आर द सेक्टर्स, सॉरी विच आर द सेक्टर्स आर शोइंग ट्रेंड। सो एब्रेसिव इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर, शिप बिल्डिंग, डाइवर्सिफाइड, दीज आर द सेक्टर। तो जहां पे ऑलरेडी 100% स्टॉक्स आर फुलफिलिंग ऑल द क्राइटेरियाज, सो दीज आर ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग सेक्टर। वी शुड आइडेंटिफाई कि कहाँ पे अब धीरे धीरे डेटा और स्ट्रॉन्ग हो रहा है, कहाँ पे और अपॉर्चुनिटी और ज्यादा मिल सकता है कि नहीं, यहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है। तो लेट्स मूव टू सम सेक्टर, लाइक लेट्स क्लिक ऑन बैंकिंग एंड गो टू ब्रेथ। यहाँ पे आपको दिस इज लेवल टू डेटा एंड दीज आर द इंडस्ट्रीज, प्राइवेट बैंक एंड बैंकिंग इन पब्लिक। सो वी कैन क्लियरली सी दैट दिस डेटा इज शोइंग अस दैट प्राइवेट बैंक्स आर आउट परफॉर्मिंग पब्लिक बैंक, बिकॉज RSI 50 के ऊपर 99% स्टॉक्स है, 99% स्टॉक्स है अब 20 SMA। और ये डेटा कब से स्ट्रॉन्ग हुआ, तो बाय क्लिकिंग हेयर अगेन गो टू ब्रेथ, और आप देखो कि वो डेटा कब से स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो गया। जो एक वीकनेस आया था 13 और 14 जून को, अगेन फ्रॉम 18 जून द डेटा इज शोइंग अस दैट प्राइवेट बैंक्स अगेन स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन द मार्केट। नाउ विच आर द स्टॉक्स दैट आर शोइंग स्ट्रेंथ, एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर तो मिल गया, अब इस स्ट्रॉन्ग सेक्टर में विच आर द स्टॉक्स दैट आर स्ट्रॉन्गेस्ट, आवर फोकस शुड बी देयर। सो गो टू टेक्निकल्स, दीज आर द पैरामीटर्स दैट यू कैन चेक वीकली, मंथली, 52 वीक,
हाई, ऑल टाइम हाई एसएमए ईएमए। सो लेट्स मूव टू ईएमएस, और यहाँ पे 5 ईएमए है, 5, 20, 50, 100 एंड 200। दिस इज बेसिकली द स्टॉक प्राइस एंड दीज आर द ईएमएस। तो आवर फोकस शुड बी ऑन द स्टॉक्स दैट आर ट्रेडिंग अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस, कि शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, दैट मीन्स द स्टॉक इज शोइंग स्ट्रेंथ। सो HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, दीज आर द स्टॉक्स, कोटक बैंक, सो मेनी स्टॉक्स आर देयर दैट आर ट्रेडिंग अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस। फेडरल बैंक भी है यहाँ पे। तो HDFC बैंक का FNO का डेटा भी स्ट्रॉन्ग था, उसका ऑप्शन चेन भी स्ट्रॉन्ग था, और अभी वो एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर से भी बिलोंग करता है। तो HDFC बैंक से एक और एक बार एग्जांपल ले लेते हैं, HDFC बैंक में क्या हुआ। तो प्राइवेट बैंक में अगर ये स्ट्रॉन्ग है, दिस स्टॉक इज लीडर, बेसिकली दिस इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट, दिस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। तो जब ये सेक्टर अच्छा कर रहा है, तो HDFC बैंक हम लोग के वॉच लिस्ट पे रहना चाहिए टू प्ले ऑन द लॉन्गर साइड। इस स्टॉक को भी शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि सेक्टर स्ट्रांग है और ये स्टॉक भी स्ट्रांग है। और एक देखते हैं, एक्सिस बैंक भी था। सी एक्सिस बैंक भी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है, और एक बार सब मूविंग एवरेजेस अगर ऐड करें तो देखिए, फ्रॉम 20 मूविंग एवरेज ये डेटा स्टॉक बार बार आ रहा है, और 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके और एक फ्रेश ब्रेकआउट के पास में है। द स्टॉक इज ट्रेडिंग ऑलमोस्ट नियर द ऑल टाइम हाई। सिमिलरली ऐसे बाकी सारे सेक्टर को देख के हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन से सेक्टर स्ट्रांग है। सिमिलरली एग्रीकल्चर, गैस एंड ट्रांसमिशन, रेटिंग, ये डेटा क्लियरली शो कर रहा है कि ओनली 18% स्टॉक जो मिसलेनियस सेक्टर से है, ओनली 25% स्टॉक, 27% स्टॉक 20 SMA के ऊपर। तो ये सेक्टर को अवॉइड करना है, हम लोग को उसी सेक्टर पे फोकस करना है जो सेक्टर स्ट्रांग है, जिसमें स्ट्रेंथ है, और उसमें से स्ट्रांगेस्ट सेक्टर को, स्टॉक को आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट इज डिलीवरीज, कि डिलीवरी के बेसिस पे कौन कौन से सेक्टर पे बहुत अच्छा डिलीवरी आया था एंड बहुत अच्छा वॉल्यूम भी था। दिस इज एवरेज वॉल्यूम, उसका कितना टाइम्स वॉल्यूम हुआ, 6.6 टाइम्स, एंड दिस इज द डिलीवरी डेटा। तो इन टेलीकॉम देयर आर 37 स्टॉक्स इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर, पर ये सेक्टर कल नेगेटिव में क्लोज हुआ था। टू गो ऑन द लॉन्ग साइड आवर फोकस शुड बी ऑन द सेक्टर, जैसे देखिए बैंकिंग, बैंकिंग में देयर आर 41 स्टॉक्स, पूरा इंडाइसेस कल 1.5% अप मूव था, वॉल्यूम वॉज देयर, एवरेज वॉल्यूम का 2.5x वॉल्यूम हुआ था, और डिलीवरी भी ऑलमोस्ट 2x हुआ था। और अगर यहाँ पे क्लिक करें तो स्टॉक वाइज भी आप लोग डेटा देख सकते हो कि कौन कौन से स्टॉक्स पे। अगेन HDFC बैंक में कल जो डिलीवरी था वो 3x था ऑफ एवरेज 5 डे का, एवरेज 5 दिन का वॉल्यूम, और ये डिलीवरी डेटा की 3x डिलीवरी हुआ था HDFC बैंक में। इंडसइंड बैंक में अच्छा डिलीवरी हुआ। यहीं से आप लोगों को डेटा मिल जाएगा कि डिलीवरी के बेसिस पे कौन से सेक्टर को फोकस करना चाहिए, और फ्रॉम दैट सेक्टर व्हिच आर द स्टॉक्स दैट हैज विटनेस्ड वेरी गुड वॉल्यूम एंड डिलीवरी। लास्ट इज VWAP, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। दिस इज बेसिकली ए इंडिकेटर, ऑल ऑफ यू कैन सिलेक्ट अप और डाउन। अप मीन्स हाउ मेनी स्टॉक्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सेक्टर इज ट्रेडिंग अबव VWAP और बिलो VWAP। तो जो VWAP यूज करते हैं दे विल ट्राई टू फाइंड आउट स्टॉक्स, जैसे बैंकिंग में फिर से 66% स्टॉक्स दैट आर ट्रेडिंग अबव VWAP। इन IT ओनली 38% स्टॉक्स आर अबव VWAP, सो वी शुड इग्नोर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर। ओके, तो दिस इज बेसिकली द सेक्टर रोटेशन, हाउ वी कैन यूज इट, एंड आफ्टर फाइंडिंग स्ट्रॉन्ग सेक्टर एंड स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स वी हैव टू चेक द टेक्निकल्स ऑफ द
स्टॉक्स, इफ द स्टॉक फुलफिल्स आर ट्रेडिंग क्राइटेरिया देन ओनली वी कैन ट्रेड इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक. सो एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग सेक्टर रोटेशन, वी विल टेक फ्यू क्वेश्चन देन वी विल कवर द लास्ट पॉइंट. Yeah, similarly, we can also check the fertilizer sector also. Let me check here. From 7th June onwards, the fertilizer sector is showing strength. And again, go to technicals, EMA. These are the stocks that are outperforming very well. FACT, Coromandel, Chambal, RCF. These are the stocks that are exceptionally doing well. So Coromandel देख लिया, चंबल देख लिया, लेट्स चेक फैक्ट. सी, और ये डेटा कब से स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो गया था मार्केट पे? फ्रॉम 7th जून द डेटा हैज स्टार्टेड शोइंग स्ट्रेंथ. लेट मी चेक द डेट. दिस वॉज द कैंडल ऑफ 7th जून और नेक्स्ट 10th जून को ये स्टॉक काफी अच्छा मूव हुआ और इट हैज गिवन ब्रेकआउट अबव 750 लेवल्स. ओके, सिमिलर यू कैन चेक ऑल द सेक्टर्स बाय द वे. Yeah, we got also on 19th also. See, on 19th also the sector is showing strength. Almost 99% stocks are above RS55 and 20 के ऊपर ऑलमोस्ट 100% स्टॉक्स थे. तो सो टिल नाउ फर्टिलाइजर सेक्टर इज स्ट्रॉन्ग. Now let's move to the final part, that is sector analytics. तो अभी तक हम लोग जो भी चीज कवर किए थे, जो सेक्टर रोटेशन है, दिस वाज द टेक्निकल पार्ट. इन सेक्टर एनालिटिक्स वी कैन ऑल्सो फिल्टर आउट सेक्टर्स दैट आर डूइंग वेल ऑन फंडामेंटल बेसिस. रिजल्ट्स यहाँ पे आप देख सकते हो एंड ऑन क्वार्टरली और एनुअली विच आर द सेक्टर that has performed well on the basis of sales, EBITDA and PAT. तो सबसे पहले सेल्स में देखते हैं कि शिप बिल्डिंग सेक्टर, द एंटायर सेक्टर हैज डिलीवर्ड 24.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ एंड 66% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की. नेक्स्ट इज मिसलेनियस एविएशन, रियलिटी सेक्टर ऑल्सो डूइंग वेल. एविएशन में क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो ग्रोथ नहीं था, बस ईयर ऑन ईयर ग्रोथ था, सेल्स ग्रोथ. एंड दिस इज ईयर ऑन ईयर की लास्ट ईयर पूरा जो था सेल्स उसके साथ अभी कितना सेल्स में इंप्रूवमेंट. तो आफ्टर फाइंडिंग आउट द स्ट्रॉन्ग सेक्टर, देखिए कि जैसे इसमें शिप बिल्डिंग में द एंटायर सेक्टर हैज डन वेरी वेल. अब फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सेक्टर विच आर द स्टॉक्स दैट हैज डन वेरी वेल. करंट रेट में देखेंगे तो सिर्फ जो मार्च 24 तक का डेटा है उस पे ही आएगा. सो मैजगॉन डॉक, कोचिन शिपयार्ड, दीज आर द टू स्टॉक्स दैट हैज डन वेरी वेल. और जब भी ये डेटा आपको मिल जाता है और इस डेटा के साथ में जब भी टेक्निकली इन पे बाइंग आएगा या इस पे स्ट्रेंथ आएगा, आप लोग फिर ट्रेड ले सकते हो. दिस डेटा कैन गिव अस मोर कॉन्फिडेंस बिकॉज इफ ए पर्टिकुलर सेक्टर और इफ ए पर्टिकुलर स्टॉक फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सेक्टर जहाँ पे सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छा है उस पे अगर टेक्निकली ब्रेकआउट आए,
सो दिस विल गिव अस मोर कन्विक्शन टू बाई दैट स्टॉक। अब एक बार देखते हैं कि मैजगॉन कैसा परफॉर्म किया। ऑन दैट पर्टिकुलर डे स्टॉक ने रिजल्ट दिया, उसके बाद थोड़ा नीचे आया, पर जब भी ये स्टॉक पे फ्रेश ब्रेकआउट आएगा वी विल ट्रेड बिकॉज द एंटायर सेक्टर एंड द स्टॉक इज आउट परफॉर्मिंग द अदर्स। सो शिप बिल्डिंग क्लियरली इज ए स्ट्रॉन्ग सेक्टर ऑन बेसिस ऑफ सेल्स, एबिटा एंड पैट। लेट्स टेक एन अदर एग्जाम्पल, रियलिटी में देखिए, रियलिटी में भी बहुत अच्छा सेल्स ग्रोथ था। अब पैट ग्रोथ के बेसिस पे भी देखते हैं कि जैसे शिप बिल्डिंग में भी पैट ग्रोथ बहुत अच्छा था, बैंकिंग में अच्छा है, फाइनेंस में अच्छा है, देन इलेक्ट्रॉनिक्स में ईयर ऑन ईयर इतना अच्छा नहीं था, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ वॉज वेरी गुड। कैपिटल गुड्स इज देयर, इंफ्रा इज देयर। देखिए इंफ्रा में मार्जिन इंप्रूवमेंट ऑलमोस्ट 7.6% का हुआ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर पैट ग्रोथ इज 2.5x। लेट्स गो टू इंफ्रा एंड फाइंड आउट विच आर द स्टॉक्स दैट आर डूइंग वेरी वेल ऑन सेल्स एंड पैट के बेसिस पे, बहुत अच्छा मूव कर रहे हैं। जी आर इंफ्रा, फिर के एन आर कंस्ट्रक्शन। लेट्स चेक के एन आर कंस्ट्रक्शन, इंटायर सेक्टर का जो मार्जिन है दैट हैज इंप्रूव 7.6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 2.5x का पैट था एंड ईयर ऑन ईयर 42% का ग्रोथ था। और के एन आर कंस्ट्रक्शन वी कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे एक आउट परफॉर्मेंस है कि जो एंटायर सेक्टर को भी आउट परफॉर्म कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स एंड पैट। एक बार देखते हैं कि के एन आर कंस्ट्रक्शन में कैसा मूव आया। लेट्स सी, ये था के एन आर कंस्ट्रक्शन का कैंडल जहां पे अर्निंग था, और उसके बाद आप देखो कि एक फ्रेश ब्रेकआउट जब भी आया है स्टॉक पे, द स्टॉक हैज डन वेरी वेल आफ्टर दैट। तो दिस डेटा कैन हेल्प अस टू आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग सेक्टर एंड स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स ग्रोथ, पैट ग्रोथ एंड एबिटा ग्रोथ। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज शेयर होल्डिंग। शेयर होल्डिंग में आप देख सकते हो कि कहाँ पे प्रोमोटर, एफआईआई एंड डीआईआई, ये बड़े प्लेयर्स लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ पे इनका फोकस है। एफआईआई देख सकते हो कि आप एक ट्रेंड देख सकते हैं कि कहाँ पे इनका, रिटेल पे वी कैन सी कि ऑन दिसंबर 21 रिटेल सेक्टर में उनका जो शेयर होल्डिंग था दैट वाज 10.5%। नाउ इट हैज मूव्ड फ्रॉम देयर एंड नाउ द एंटायर सेक्टर में फ्रॉम 10.5 इट हैज मूव्ड टू 12.59। तो एक रिटेल सेक्टर आप फोकस कर सकते हो कि क्या बात, क्यों इन रिटेल सेक्टर एफ आई एज आर इंक्रीजिंग देयर स्टेक। ए बी एफ आर एल, दिस इज द स्टॉक वेयर फाइजर बाइंग। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स, ऑन द बेसिस ऑफ शेयर होल्डिंग वी कैन कीप द स्टॉक और कीप द सेक्टर इन आर रडर कि कहाँ पे स्ट्रेंथ और वीकनेस आ रहा है। ईएमएस, इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे एफआईआई का, प्रोमोटर का क्या हुआ, प्रोमोटर का भी ऑलमोस्ट इंटैक्ट है। सो दिस इज हाउ वी कैन आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग सेक्टर एंड स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स फंडामेंटली। ऑटो एंड ऑटो एंसिलरीज हैज ऑल्सो डन वेरी वेल। सी ट्रेंड देखिए, दिस इज सेल्स ट्रेंड, ये पैट का ट्रेंड, दिस इज क्वार्टरली एंड दिस इज एनुअली। सी द ग्रोथ एंड नाउ गो टू स्टॉक वाइज विच आर द स्टॉक्स दैट हैज डन वेरी वेल
ऑन सेल्स एंड पैड बेसिस। अब इस पे जब भी ब्रेकआउट होगा या आपका ट्रेडिंग सेटअप होगा तो ये बेटर है ना कि टेक्निकली भी हम लोग को स्टॉक अच्छा मिल गया और फंडामेंटली भी अच्छा मिल गया, तो दिस विल गिव अस मोर कॉन्फिडेंस। ओके, सो यही था सेक्टर एनालिटिक्स। इफ देर इज एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग सेक्टर एनालिटिक्स, ऑल ऑफ यू कैन आस्क। करंट पीरियड ओनली मीन्स FY24 मार्च लास्ट क्वार्टर जो था उसका ही डेटा होगा। जो जो स्टॉक्स अपना डेटा फाइल कर दिया एक्सचेंज में उनका ही डेटा आएगा। व्हाट इज पैट? पैट मीन्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, आई थिंक नो अदर क्वेश्चंस आर देयर। एबिटा मीन्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। दीज आर द फंडामेंटल रेशियोज दैट वी यूज टू आइडेंटिफाई और टू एनालाइज ए स्टॉक। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। दिस इज फ्रॉम माय साइड। नाउ राजू सर विल टेक इट फर्दर। जी जी राजू जी, आर प्लीज। यू देयर? हाँ हाँ भैया, हाँ मैं ही हूँ। ओके ठीक, आप स्टार्ट करो, मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप जी जी करता जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। हूँ। ओके, थैंक यू दादा। हेलो एवरीवन, मेरी वॉइस क्लियर है सबको? थैंक यू कपिल जी, थैंक यू, थैंक यू कपिल जी सर। बोले थे पहले स्क्रीन सबको दिख रहा होगा होपफुली। ये देख रहे हैं ना? चलिए, थैंक यू सो मच। तो थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो अपना कि माई सेल्फ राजू गिरी एंड मैं टेक्निकल एनालिस्ट हूँ स्टॉकेज में। सो अब स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, हम लोग चलते स्ट्रैटेजी पे। एंड आज हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑन द व्हाई स्ट्रैटेजी इज इम्पोर्टेंट एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि स्ट्रैटेजी को बिल्ड करने का। एंड ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। तो पहले तो मैं एक 2 या 3 मिनट का एक इंट्रोडक्शन पार्ट दे देता हूँ। तो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ट्रेडिंग जो स्ट्रैटेजीज है इट इज नॉट ए रिकमेंडेशन। तो ये चीज आप लोग पहले क्लियर कर लीजिएगा कि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इट इज ए टूल विच हेल्प यू टू इम्प्रूव योर ट्रेडिंग स्टाइल और ट्रेडिंग आउटकम। ठीक है, सो ये एक टूल की तरह आप यूज कर सकते हैं जो आपके ट्रेडिंग को अच्छा कर सकता है, इम्प्रूव कर सकता है, आपके आउटकम को इंक्रीज कर सकता है, आपको ज्यादा फिल्टर यानी अच्छे तरीके से फिल्टर करके स्टॉक्स को दे सकता है जिसपे आप ट्रेड कर सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी इज नॉट ए रिकमेंडेशन, इट इज अ टूल। सो मैं यही ट्राई करूंगा आप लोगों को समझाने का कि किस तरह इस टूल को यूज करके आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हो, अच्छे से अपने ट्रेडिंग जो गलतियां कर रहे थे उसको इम्प्रूव कर सकते हो, और किस तरह आप इस पर ट्रेड ले सकते हो। तो मैं अपने हर वीडियो में ये बोलता हूँ, आज भी बोलो कि मैं मेरे हिसाब से 5 थंब रूल होने चाहिए जो एक ट्रेडर को जो टेक्निकल के ऊपर मैक्सिमम काम करते हैं उनको आना चाहिए। फर्स्ट, टू आइडेंटिफाई योर सेल्फ। सबसे पहली जरूरी होती है कि आप ये समझे कि वॉट यू आर, आप इंट्राडे ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो, और या पोजिशनल ट्रेडर हो।
क्योंकि हर एक ट्रेडर का मोटिव, हर एक ट्रेडर का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, हर एक ट्रेडर का साइकोलॉजी अलग होता है। तो अगर आप ये नहीं समझ पाओगे खुद को कि व्हाट यू आर, तो आप कभी भी स्ट्रैटेजी का मैक्सिमम यूजेस या मैक्सिमम तरीके से आउटपुट नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले आप अपने आप से पूछिए, डिफाइन योर सेल्फ कि आप क्या हो। इफ यू आर एंटर डे ट्रेडर देन वन डे बुलिश स्ट्रैटेजी, वन डे बेरिश स्ट्रैटेजी इज फॉर यू। इफ यू आर स्विंग ट्रेडर देन स्विंग बुलिश स्ट्रैटेजी एंड स्विंग बेरिश स्ट्रैटेजी इट इज फॉर यू। और इफ यू आर अ पोजिशनल ट्रेडर और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर बोलते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर बोलने का मतलब है जो एटलीस्ट एक क्वार्टर तक का इन्वेस्टमेंट करते हो, एक से दो क्वार्टर तक का, तो उन्हें पोजिशनल स्ट्रैटेजी बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, पोजिशनल स्ट्रैटेजी बहुत हेल्प करेगी। तो फर्स्ट थंब रूल क्या है कि आइडेंटिफाई योर सेल्फ, सेकेंड एंट्री एग्जीक्यूशन, इसको आप एंट्री बोल सकते हैं, आप यू मे कॉल एग्जीक्यूशन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एग्जीक्यूशन ही गलत होगा तो वो कितना भी बेस्ट स्ट्रैटेजी क्यों ना बना लो आप, कितना भी बेस्ट स्ट्रैटेजी हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं या कोई भी प्रोवाइड करते हैं, आप नहीं कर सकते। सो यू हैव टू, बहुत क्लियर होना चाहिए, तो क्लियर कि मेरा एंट्री स्ट्रैटेजी क्या होगा या मैं एग्जीक्यूशन किस लेवल पे करूंगा, क्या मेरा एग्जीक्यूशन का टाइमिंग होगा, किसके कंफर्मेशन के बाद मैं एग्जीक्यूशन करूंगा कि नहीं करूंगा। एंड उसके बाद आता है थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, कंटिन्यूशन, या कंटिन्यूशन को मैं बाद में रखता हूँ, आप उसको रिस्क टू रिवॉर्ड ले लो, या रिस्क टू रिवॉर्ड को आप पहले कर सकते हो, एग्जीक्यूशन को बाद में कर सकते हो, थर्ड नंबर पर ट्रांसफर कर दो रिस्क टू रिवॉर्ड कि ठीक है, एक तो फिल्टर होकर आ गया, तो क्या मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है। इंट्राडे ट्रेडर्स का रिस्क टू रिवॉर्ड स्विंग ट्रेडर से डिफरेंट होगा, स्विंग ट्रेडर का पोजिशनल ट्रेडर से डिफरेंट होगा, क्योंकि तीनों का टाइम फ्रेम अलग है, तो तीनों का रिस्क टू रिवॉर्ड का कॉम्बिनेशन अलग होगा। थर्ड जैसा मैंने बताया था एंट्री, फोर्थ होता है कंटिन्यूशन, क्या आपने जिसमें एंट्री ली है क्या वो कंटिन्यू कर सकते हो, क्या आपको एंट्री कंटिन्यू करनी चाहिए, या आपको दिख रहा है कि यार ये तो रिवर्सल हो रहा है, या यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ गया, क्या मुझे एग्जिट कर जाना चाहिए। तो फोर्थ थंब रूल है बहुत इंपॉर्टेंट कि कंटिन्यूशन ऑफ द ट्रेड, क्या इसको कंटिन्यू करना है या मुझे एग्जिट करना है, या कंटिन्यू नहीं करना, डिसकंटिन्यू करना है। एंड फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जिट रूल, या एग्जिट रूल मैं बोल रहा हूँ, नॉट एग्जिट, एग्जिट रूल का मतलब होता है आप प्रॉफिट में भी एग्जिट करने का एक रूल बना सकते हो और स्टॉप लॉस पे तो एग्जिट करना ही करना है। प्रॉफिट का रूल जैसे मैंने अपने जो मेरे पुराने वीडियोस देखे उनको पता होगा कि मैं बताता हूँ कि अगर आप प्रॉफिट में हो एंड यू थिंक कि अभी भी मोमेंटम इज स्ट्रांग, सो आप उसमें पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करते हो, तो इट इज अ वेरी गुड एग्जिट रूल है, जो आप एग्जिट स्ट्रैटेजी है कि आप प्रॉफिट में भी पार्सली एग्जिट कर रहे हो, तो क्या आपका जो रैली का पूरा, आप एक पूरा एक रैली है उसको एंजॉय कर सकते हो। आप अल्ली अल्ली प्रॉफिट बुकिंग नहीं करोगे यार, आपको अफसोस होगा, हाँ यार ये तो मैंने बुक कर लिया उसके बाद और 50% भाग गया या और 30% भाग गया, तो इस बेटर कि आप पार्सली अगर बुक करते हो तो ये बहुत बेटर है। उसी तरह अगर एग्जिट पे एसेलेट हो गया तो एग्जिट कर लो। तो ये फाइव रूल्स है जो इंट्राडे ट्रेडर्स हो, स्विंग ट्रेडर्स हो और पोजिशनल ट्रेडर्स हो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपको बहुत क्लियरली समझ लेना चाहिए। सो अब हम लोग चलते हैं अपने स्ट्रैटेजीज की तरफ। वन डे बुलिश स्ट्रैटेजी, ठीक है, इसमें तीन तरह के स्ट्रैटेजी है, कैनन, शॉर्ट एंड डैगर। कैनन इसका जो नेचर है इसका मोमेंटम, यानी इसमें ऐसे स्टॉक्स आएंगे जो बहुत ही मोमेंटम उनका बहुत स्ट्रांग है, स्पाइक कर रहे हैं, बहुत तेजी से प्राइस में चेंजेस आ रहा है विथ वॉल्यूम, तो ये आपका हो गया। इसमें आता है कैनन, एक एक करके डिस्कस करते हैं कैनन पे, इंट्रो वाले पार्ट पे चलते हैं। तो जैसे मैंने पहले ही कहा था अपने वीडियो के, इंट्राडे ट्रेडर्स का जो सबसे उनको डिफरेंट बनाता है बाकी ट्रेडर्स से, स्विंग ट्रेडर और पोजिशनल ट्रेडर से, दैट इज द टाइमिंग। सो टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपका टाइम जो है ना, वो टाइम ड्यूरेशन बोलिए या टाइमिंग बोलिए, आपका बहुत लिमिटेड है। आपको 9:15 से 3:30 तक ही ट्रेड करना, 3:30 तक ही आपको ट्रेड है, आपका सारा कुछ फाइव जो रूल है वो सब कुछ इसी में आ जाता है। तो इंट्राडे ट्रेडर उन्हीं को करना चाहिए जो प्रोफेशनली से ट्रेडिंग में है। इफ यू आर ए प्रोफेशनल, आप किसी और जगह काम करते हो, आपका कोई प्रोफेशनल, तो इट्स बेटर कि आप पोजिशनल और स्विंग ट्रेडिंग करो। इंट्राडे ट्रेडर उन्हीं के लिए जो ऑलवेज आपके सिस्टम के सामने रहते हैं, ऑलवेज उनके हाथ में अपना डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट खुला होता है, क्योंकि आधे घंटे में कुछ भी हो सकता है, आप कहीं जाओगे आप कुछ भी हो सकता है, तो इट्स बेटर कि इंट्राडे ट्रेडर वही करें जो प्रोफेशनल ट्रेडर या खुद को उस फील्ड पे ही ये करना चाहते हैं। तो टाइमिंग, जैसे कि कहा टाइमिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है,
इसका रिस्क टू डिपॉजिट 1:1.5, ये मिनिमम है। आप इसको मैक्सिमम भी कर सकते हैं, 1:1, 1:2 भी कर सकते हो, 1:3 भी कर सकते हो, बट हम लोग के हिसाब से मिनिमम 1:1.5 होना चाहिए। यानी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसमें से आपको उसमें ट्रेड करना है जिसका रिस्क टू रिवॉर्ड अपने फेवरेबल हो। तो एक फेवरेबल रिस्क टू रिवॉर्ड इन इंट्राडे 1:1.5 होता है। 1 रुपए का अगर आप रिस्क लेते हो तो आपका प्रॉफिट 1.5 रुपए तक का होना चाहिए। लेंथ ऑफ द ट्रेड, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि आपको सेम डे एग्जिट करना होता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको उसी दिन एग्जिट करना होता है। स्कैंस पे चलते हैं और हर एक स्ट्रेटेजी पे एक स्टॉक पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या एंट्री पोजिशन होना चाहिए और क्या एग्जिट पोजिशन। तो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए पहला जो कंडीशन है, हाई ट्रेड एंड डिलीवरी क्वांटिटी, मीन्स की लिक्विड स्टॉक होना चाहिए। सेकेंड, क्लोजेस्ट अवेव द प्रीवियस हाई, अपने प्रीवियस हाई के ऊपर बंद हुआ होगा, यानी कल बंद हुआ होगा तो आज आएगा, आज जो स्टॉक्स बंद हुए वो कल आएंगे। थर्ड, इसका स्कैन है क्लोजेस्ट अवेव लास्ट वीक है, मोमेंटम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जैसे मैंने कहा शॉर्ट टर्म मोमेंटम, अगर आप 1 वीक के ऊपर अगर कोई ट्रेड स्टॉक अपना ट्रेड करता है तो उसका मोमेंटम ऑल यानी हाई है, अच्छा खासा है। RSI क्रॉस्ड अबव 70, RSI जो है वो 70 के जोन में एंटर कर रहा है, बाइंग है, अच्छी खासी बाइंग। अभी एक यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए, RSI अगर आपका 70 में एंटर करता है तो उसको व्हाट इज द मीनिंग? इसका एक सिंपल मीनिंग ये है कि बाइंग का जो प्रेशर इज वेरी हाई, ठीक है, अगर एंटर करता है, ऑलरेडी है तो ओवरबॉट भी हो सकता है, बट अगर एंट्री कर रहा है मतलब 69 से 70 के तरफ एंटर कर रहा है, तो इट्स मेन कि इसमें बाइंग बहुत तेजी से हो रही है, ठीक है। तो उसको ऐसे भी देख सकते हैं, RSI इन ओवरबॉट जोन, क्योंकि मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है। होते हैं ऐसे स्टॉक जो मोमेंटम ऑलरेडी RSI ओवरबॉट जोन में आ जाता है, उसके बाद भी उसमें 2-3 दिन का मोमेंटम रहता है। तो ये सारे स्कैन्स मिलके एक कैनन स्ट्रैटेजी का फॉर्म करते हैं जो कि आपको इंट्राडे में बहुत हेल्प करता है। स्टॉक्स आते हैं इसमें, जैसा कि एक इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के देखते हैं, आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस इस पे भी करेंगे कि इंट्राडे ट्रेडर्स कहाँ गलतियां करते हैं। जब इंट्राडे स्ट्रैटेजी खत्म होगा तो 5 मिनट्स हम लोग उस पर भी फोकस करेंगे और देखेंगे कि क्या वो गलतियां हम लोग करते हैं तो हम लोग इंट्राडे स्ट्रैटेजीज पे भी इम्पैक्ट पड़ता है कि नहीं। इक्विटास, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये देखिए बहुत ही अच्छा है। ये देखिए, ये इसने कल का दिया था, कल के ऊपर ये रहा, यहाँ पर स्कैंस में आ गया था, तो ये तो इसको बंद कर देते। तो अगर सपोज कीजिए जैसे ये अपने प्रीवियस जो इसका स्विंग हाई है उसके ऊपर है, ये तो परफेक्ट एक बाइंग कंडीशन में आ ही रहा था स्टॉक्स। अब इसको बाई कब करना, जैसे कि मैंने कहा एंट्री, हमेशा याद रखें इंट्राडे ट्रेडर अगर आप हो तो आपको हमेशा एंट्री करनी है प्रीवियस डे के हाई के ऊपर, ठीक है। प्लीज इसको समझिएगा, इफ यू आर इंट्राडे ट्रेडर आपको हमेशा एंट्री करनी है प्रीवियस डे के हाई के ऊपर, अगर आप बुलिश स्ट्रेटेजीज पे प्ले कर रहे हो तो। इसका 15 मिनट चार्ट में हम लोग कर लेते हैं। थर्सडे था, इसको ऐसे देखेंगे आज, देखा था हमें। ये इसका पहला कैंडल है, ब्लू लाइन के बाद से पहला कैंडल है, तो इसका प्रीवियस डे का हाई था ये 105.6। तो मेरा एंट्री कब बनेगा, जब 106 के ऊपर सस्टेन कर जाए, ठीक है। तो मेरा एंट्री बनेगा 106 के ऊपर, अगर सस्टेन कर जाता तो मेरा एंट्री बनेगा। तो ये रहा उसका, ये तो इस जगह पे उसने एंट्री किया, यानी इसके ऊपर उसने ब्रेकआउट दिया और यहाँ पर वो सस्टेन किया, तो मेरी एंट्री इस कैंडल या इसके बाद वाले कैंडल के आसपास बनेगी, ठीक है। रेट था फिर भी, क्योंकि प्रीवियस डे का हाई के ऊपर कैंडल क्लोज हुआ है, तो एक बहुत ही ज्यादा एक प्रोमिनेंट ये इंडिकेशन है कि ये स्टॉक अच्छा करेगा। तो अगर इस वाले प्राइस के आसपास भी हम लोग बाई करते हैं 106 107 के आसपास, तो ये हमें 108 109 यानी ऑलमोस्ट एक प्रॉफिटेबल ट्रेड दे रहा। बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड तो नहीं बन रहा, क्योंकि इसका जो लो होगा, जैसे मैंने बताया था स्टॉप लॉस जो होता है, हमेशा इंट्राडे ट्रेडर्स को प्रीवियस डे के लास्ट 30 मिनट्स के लो को ले सकते हैं, प्रीवियस डे के लास्ट 30 मिनट्स के लो को, या तो स्विंग लो। अगर स्विंग लो है, जैसे इस वाले केस में स्विंग लो है, ये इसका हाई था स्विंग, उसका एक स्विंग लो बना के इसने फिर से रिवर्सल लिया, तो इस वाले केस में स्विंग लो है,
अगर नहीं होता तो लास्ट प्रीवियस डे के 30 मिनट्स के कैंडल को हम लोग स्टॉप लॉस लेते हैं। तो इसका उतना अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं है, बट ऐसे समझने के लिए मैं समझ सकता है कि हमारा एंट्री हमेशा प्रीवियस डे का हाई के ऊपर बनता है, और स्टॉप लॉस जो होगा वो हमारा प्रीवियस डे के 30 मिनट्स का लो ले सकते हैं, और अगर स्विंग लो है तो स्विंग लो को ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक स्टॉप लॉस आप ले सकते हैं। अब इसमें क्या एंट्री बनती है? एंट्री बन रही थी, बिल्कुल बन रही थी, पर एट द एंड ऑफ द डे ये बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया, अपने बाइंग के आसपास ही बंद हुआ। पर इसमें क्या, एक आप एटलीस्ट एक लॉस वाला ट्रेड नहीं करोगे। अगर आप ये फॉलो करते हो कि प्रीवियस डे के हाई के ऊपर क्लोज हो तब मैं बाई करूंगा, तो आप लॉस वाला ट्रेड नहीं करोगे। इसको और एक तरीके से कर सकते हैं कि एक और रूल आप लोग बना सकते हैं कि अगर 10:30 तक अगर वो अपने प्रीवियस डे के हाई को क्लोज नहीं करता है, 10:30 तक यानी ऑलमोस्ट 1 घंटे का चार्ट आपको मिल जाएगा करंट देखा, तो अगर 10:30 तक यानी 10:30 तक अगर वो अपने प्रीवियस डे के हाई को क्लोज नहीं करता है, तो ये मान लीजिएगा कि उसमें अब मोमेंटम आएगा भी नहीं, और आया भी तो रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होगा। ठीक है, ये क्लियर हो सबको कि अगर ये रूल को आप समझिए, ये इंट्राडे मैंने किया है, मैं समझता हूँ इसलिए बता रहा हूँ कि अगर 10:30 मैंने मैक्सिमम स्टॉक्स को देखा कि अगर 10:30 तक अगर वो अपने प्रीवियस डे के चार्ट के प्रीवियस डे के हाई के ऊपर नहीं निकलते ना, तो फिर उस दिन उसमें बहुत अच्छा मोमेंटम नहीं आता है, उस पर एक बहुत अच्छा स्पाइक नहीं आता है। तो ये भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे अपने दूसरे स्ट्रैटेजी की तरफ। हर स्ट्रैटेजी पे एक हम लोग करेंगे शॉर्ट शॉर्ट कंटिन्यूशन है। कंटिन्यूशन का मतलब होता है कि एक स्टॉक, एक स्पाइक आया, एक अच्छा खासा प्राइस मूव दिया, फिर उसके बाद 1-2 दिन, 2-3 दिन एक साइडवाइज फेज में गया और फिर से अपने प्राइमरी ट्रेंड को यानी अप ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे स्टॉक शॉर्ट में आते हैं। इसका भी सेम रूल है, आपको 9:15 से लेकर 3:30 तक के ही बीच में ट्रेड करना है, और इसका रिस्क टू रिवॉर्ड देख लेते हैं हम लोग। इसका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1.5 है, तो ये मिनिमम है। इंट्राडे ट्रेडर्स को मिनिमम ये रेशियो लेके चलना कि अगर 1 रुपए का आप रिस्क लेते हो तो आपका टारगेट 1.5 रुपए का होना चाहिए। स्कैंस देख लेते हैं। हाई ट्रेड क्वांटिटी मतलब एक लिक्विड स्टॉक होना चाहिए, हाई इंक्रीज इन 3 मंथ, 3 महीने में अपने प्राइस अच्छा खासा आप ऊपर हो। सीसीआई स्टैंडिंग अप एंड एमएफआई स्टैंडिंग अप, ये दोनों के दोनों इंडिकेटर जो ये आरएसआई के ही तरह काम करते हैं, एक मनी फ्लो इंडेक्स है और एक सीसीआई ट्रेंडिंग अप, दोनों के दोनों लीडिंग इंडिकेटर्स है, तो एक बहुत अच्छा अर्ली इंडिकेशन देते हैं। दो तरह का इंडिकेटर होता है, एक लेगिंग एक लैगिंग। लेगिंग जो होता है वो बहुत ज्यादा लीडिंग, वो बहुत जल्दी क्विक आपको इंडिकेशन देता है कि प्राइस में मोमेंटम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। स्टॉक्स में चलता है, परफेक्ट मैच में नहीं है, ऑलमोस्ट देयर में, ऑलमोस्ट देयर में ऐसे स्टॉक्स आते हैं जो हमारे स्कैंस के 70-80% क्राइटेरिया को मैच करते हैं, क्राइटेरिया को मैच करते हैं। इसमें एचईजी है, बार बार बता रहा हूँ, जो भी इंटरडे ट्रेडर्स है वो तभी इंटर करेंगे जब वो प्रीवियस डे के हाई के ऊपर सस्टेन कर जाए, वॉल्यूम भी ठीक ठाक हो तो ही आपको एंट्री करनी है, रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल हो, और 10:30 से पहले अगर अपने प्रीवियस डे का हाई के ऊपर नहीं निकला है तो एंट्री नहीं लेनी है। क्योंकि मैक्सिमम मैंने यही देखा कि अगर स्टॉक 10:30 तक अपने प्रीवियस डे के हाई के ऊपर नहीं चला तो फिर उस पर मोमेंटम नहीं आता है। एचईजी को देख लेते हैं क्या हुआ। हाँ देखिए ये सेम है। अब ये यहाँ पर बहुत एक अच्छा सीखने को, जो भी इंटरडे ट्रेडर हैं यहाँ पर, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर होंगे इंटरडे ट्रेडर्स, इस कैंडल को बहुत गौर से देखिएगा, जो भी इंटरडे ट्रेडर्स हैं ये उनके लिए है, या जो भी स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, अगर कभी भी आपको एक मोमेंटम स्टॉक्स में या एक बुल ट्रेड में ऐसा कैंडल मिल जाए कि कैंडल के एंड पे वो अपना सारा का सारा मोमेंटम लॉस कर दे, ठीक है, सारा का सारा मोमेंटम लॉस कर दे और अपने लो के आसपास आके बंद करे, तो बॉस वो आपका फिर वो ट्रेड मोमेंटम ट्रेड नहीं होगा, वो फिर से अपने प्राइमरी मोमेंटम को फॉलो नहीं करता है। मैक्सिमम केसेस में 90-95% में श्योर हूँ कि अगर ऐसा कैंडल बन जाता है और अपने डे डे बोलो नहीं, कैंडल के लो के आसपास अगर क्लोज करता है, तो इंट्रा डे में ऐसे स्टॉक्स फिर से रिवर्सल नहीं लेते, बहुत हार्डली। अगर सडनली मार्केट में कोई मोमेंटम आ जाए, सडनली कोई न्यूज आ जाए तो अलग बात है, वरना वो नॉर्मली मोमेंटम नहीं लेते। इसका भी सेम रूल है, प्रीवियस डे का हाई के ऊपर अगर सस्टेन कर जाए, एटलीस्ट एक बार बंद हो जाए 15 मिनट के चार्ट पे, और अगर 10:30 से पहले, तो आपका परफेक्ट इंट्राडे ट्रेड बनता है। अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरे इंट्राडे स्ट्रेटजी की तरफ, जो कि है डैगर। एक रिवर्सल ये स्ट्रेटजी है, जैसे कि एक शार्प अप डाउन डाउन साइड मोमेंटम के बाद स्टॉक सडनली एक रिवर्सल लेता है। एग्जैक्टली ऐसे
बहुत अच्छा आपने कहा, फ्लैग जो होता है वो कंटिन्यूएशन पैटर्न का होता है। फ्लैग क्योंकि एक ऐसा पैटर्न है जो बहुत शॉर्ट टर्म में भी बन सकता है, तो ऑफ कोर्स इसको हम लोग मान सकते हैं कि फ्लैग पैटर्न जो है वो आपका कंटिन्यूएशन पैटर्न की तरह ही होता है। और क्योंकि फ्लैग का कोई ड्यूरेशन नहीं है कि इसको इतने टाइम में, फ्लैग 15 मिनट में चार्ट में बन सकते हैं, 30 मिनट में भी बन सकते हैं, और 1.5 मिनट में तो बनते ही है। तो फ्लैग एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होगा अगर कंटिन्यूएशन स्ट्रेटेजी को आप देखते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने तीसरे डैगर के तरफ, रिवर्सल स्ट्रेटेजी, जिसमें अच्छे खासे डाउनफॉल के बाद स्टॉक अप रिवर्सल ले रहा है और अपने न्यू अपने रिवर्सल लेके ऊपर की तरफ जाने के लिए रेडी हो रहा है। इंट्रोडक्शन पार्ट में चले जाते हैं। स्ट्रेटेजी 1:5 है, 1 रुपया अगर आप रिस्क ले रहे हो तो आर्टिस्ट आपका जो प्रॉफिट हो वो 1.5 हो, 1.5 रुपए तक के आसपास का हो, 1.50 रुपए का। सेम इस पर ड्यूरेशन, सारे इंटर डे स्ट्रेटेजी का ड्यूरेशन सेम है, आपको सेम डे एग्जिट करना होता है और 3:20 तक एग्जिट करना पड़ता है। कुछ कुछ ब्रोकर 3:25 तक का भी देते हैं, 3:20 तक एग्जिट करना होता है। स्कैंस पे चले जाते हैं, स्कैंस पे बात करते हैं। यस यार रविंदर जी, जी बिल्कुल, अगर ऐसा कोई स्टॉक्स आपको कैंडल दिख जाए जो कैंडल अपने डे हाई यानी डे हाई पे कैंडल लो पे बंद हो, इस सीक्वेंस को समझिएगा आप लोग सारे। बहुत अच्छा एक क्वेश्चन था रविंदर जी का कि सर कि अगर ऐसा कोई कैंडल बनता तो इसका रूल क्या है। रूल है डे हाई पे ऐसा कैंडल का फॉर्मेशन हो जो अपने डे अपने कैंडल के लो के आसपास बंद करे। सबको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? डे हाई पे अगर एक ऐसा कैंडल फॉर्म होता है जिसका कैंडल का क्लोजिंग अपने कैंडल के लो के आसपास होता है, सर वो मैं आपको सियोरिटी यानी कॉन्फिडेंटली तो बोल सकता हूँ, बट देखिए मार्केट में कुछ हो सकता है, बट 95% मैं सियोर हूँ तो कैंडल फिर नया हाई नहीं मारेगा, वो स्टॉक फिर नया हाई नहीं मार सकता। ठीक है, ठीक है रविंदर जी, क्लियर हो गया आपको? अब डैगर के इस पे बात करते हैं, डैगर के स्कैंस पे। थैंक यू सर। सलीम जी क्या क्वेश्चन है सर? 8:30 के बाद यानी आज 8:30 के बाद होगा जो आपके लिए फ्राइडे के लिए जो स्टॉक्स आते हैं। अब बात कर लेते हैं अपने डैगर वाली स्ट्रेटेजी पे। हाई डिलीवरी क्वांटिटी, ये हमारा बेसिक रूल है कि जो इंटरडे ट्रेडिंग होता है वो मैक्सिमम हमें ट्राई करना है कि हम लिक्विड स्टॉक पे करें, और इस बेटर कि आप निफ्टी 250 या 200 के स्टॉक्स पे करते हैं, तो 500 तक भी कर सकते हैं क्योंकि उसमें लिक्विडिटी रहती है। लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी इंटरडे ट्रेडर्स है, ये मेरा पर्सनल सजेशन है आपको, और स्टॉकेज की स्ट्रेटेजी भी सजेस्ट करती है कि आपको लिक्विड ट्रेड में ट्रेड करने से। देखिए तीनों के तीनों स्ट्रेटेजी में हाई डिलीवरी क्वांटिटी, हाई ट्रेड क्वांटिटी है, एक एक्स्ट्रा स्कैन रहता ही है जिसमें रहे। अच्छा उसके बाद हाई डिग्री से उन्होंने मत, क्योंकि रिवर्सल है तो 1 महीने में अच्छा खासा प्राइस में करेक्शन आया हो, बट विलियम परसेंटेज आर इज बुलिस, ये अगेन इज लीडिंग इंडिकेटर, विलियम परसेंटेज आर इज बुलिस होना चाहिए। एंड मैकडी क्रॉस्ड सिंगल लाइन फ्रॉम लो, मैकडी में हम लोग जानते हैं 3 लाइन होते हैं, जो सिंगल लाइन होता है नीचे से ऊपर की तरफ जाए, मैकडी एक लैगिंग इंडिकेटर है, तो इसमें रिवर्सल का अच्छे इंडिकेशन मिलते हैं। सर लिक्विड स्टॉक मतलब जिसमें प्राइस में, आप देखिए लिक्विड स्टॉक को मैं ऐसे आपको डिफाइन करता हूँ जो आपको समझने में इजी हो, डेफिनेशन पे नहीं जाता हूँ मैं, प्रैक्टिकली आपको समझाता हूँ। आप सपोज करो एक स्टॉक पे ट्रेड करना चाहते हो, अगर 100 में कोई बायर है तो 100.05, 5 पैसा 10 पैसा के गैप में कोई सेलर भी है, या पॉइंट ऐसे टिकट प्राइस तो बहुत डिफरेंट हो, बट अगर किसी स्टॉक का बायर 100 पे है और सेलर 101 या 102 पे है तो वो थोड़ा सा इनलिक्विड है, अगर 103 पे तो बहुत ज्यादा इनलिक्विड है। तो ये आपका प्रैक्टिकल डेफिनेशन है लिक्विड और इनलिक्विड का। अब आते हैं इंटरडे बेरी स्ट्रेटजीज पे। जी रोहन जी, इम्पैक्ट कॉस्ट भी बोल सकते हैं उसको हम लोग। वन डे बेरी स्ट्रेटजीज पे आते हैं, इसमें भी 3 तरह का आर्मर, सिल्ट एंड बूमरेज, इनका भी जो आप नेचर समझिए, आर्मर का मोमेंटम, सील्ड का कंटिन्यूएशन एंड बूमर का रिवर्सल। आर्मर मतलब ऐसे स्टॉक्स जो कंटिन्यू लोअर लो बना रहे हैं, लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ऐसे स्टॉक्स क्योंकि मार्केट एक बहुत अच्छा मोमेंटम है, बैंक निफ्टी हर दिन अच्छा खासा अप दे रहा है, तो ऐसे स्टॉक्स में है, बट हम लोग डिस्कस करते हैं इंट्रो वाले पार्ट पे और स्कैंस पे बात करेंगे। जैसा कि है इसमें न्यू लोस बन रहे हैं, मोमेंटम हाई है, प्राइस हर प्राइस पे सेलर एक्टिव है, इसका देख लेते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड सेम है 1:1.5, यानी सारे इंटरडे स्ट्रेटेजी का रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1.5 है, यानी 1 रुपए के लिए 1.5 रुपए तक का आपका प्रॉफिट होना चाहिए। स्टॉक का जो आपका टाइमिंग वो सेम है, आपको सेम डे एग्जिट करना 3:20 से पहले। स्कैंस पे बात कर लेते हैं, हाई ट्रेड एंड डिलीवरी क्वांटिटी लिक्विड स्टॉक होना चाहिए, क्लोजेस्ट बिलो प्रीवियस डे लो या प्रीवियस लो के नीचे ट्रेड क्लोज होना चाहिए स्टॉक्स, क्लोजेस्ट बिलो लास्ट वीक लो क्योंकि उसका मोमेंटम भी वीक होना चाहिए,
आरएसआई क्रॉस्ड बिलो 30 ओवरसोल्ड जोन पे एंटर कर रहा हो या ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन पे हो, जहां पर देखिए एक स्टॉक अगर ओवरसोल्ड जोन पे है और उस पर बाइंग नहीं, यानी मतलब उसमें और भी सेलिंग हो सकती है, इसका मतलब यही है कि अगर कोई स्टॉक ऑलरेडी आरएसआई 30 के नीचे है, क्लोज कर रहा है, और वो नेक्स्ट डे भी वहां से उसमें बाइंग नहीं आ रहा, तो मतलब उसमें अभी भी बाकी है और भी नीचे जा सकता है। सेकेंड, सील कंटिन्यूएशन पैटर्न। कंटिन्यूएशन पैटर्न उसे कहा जाता है जिसमें एक साफ डाउनफॉल के बाद एक साइडवाइज मोमेंटम आता है और एक फिर से अपने प्राइमरी ट्रेंड को फॉलो करता है और डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू, तो उसमें सेल ऑफ रहता है। इसको मैं बेरिस फ्लैग भी बोल सकता है, बेरिस फ्लैग का फॉर्मेशन भी ऐसे ही होता है। ठीक है, इंट्रो वाले पार्ट पे चलते हैं। इंट्रो पे सेम है आपका रिस्क टू रिवॉर्ड जो 1:1.5 होना चाहिए, और आपको 3:20 से पहले एग्जिट कर जाना है। ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड है 1:1.5। स्कैंस पे बात कर लेते हैं। हाई ट्रेड क्वांटिटी, हाई डिक्रीज इन 3 मंथ, 3 महीने से प्राइस नीचे की तरफ ही है। सीसीआई स्टैंडिंग डाउन एंड एमएफआई स्टैंडिंग डाउन। ठीक है, इसमें ऑलमोस्ट देयर में है, तो परफेक्ट मैच में कुछ नहीं, ऑलमोस्ट देयर में जेफ कॉमर्शियल है। एक इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपको बेरिश ट्रेड लेने तो कैसे लेने। इसका भी सेम रूल है जैसे कि हम लोगों का उसमें था बाइंग वाले में, कि अगर प्रीवियस डे के लो के नीचे सस्टेन कर जाता है, 15 मिनट के चार्ट में एक कैंडल उसके नीचे बन जाती है, क्लोज कर जाती है, और या तो ये भी सेम 10:20 से पहले, सॉरी 10:30 से पहले अगर वो कैंडल फॉर्म होता है तो एक परफेक्ट शॉर्ट कंडीशन होता है। जेएफ कॉमर्स ये इसमें देखिए ट्रेड बना नहीं, क्योंकि अपने प्रीवियस डे के लो के नीचे एक भी इसने बहुत अच्छा बेरिश कैंडल नहीं बनाया, तो हमारा एंट्री है तभी होगा जब अपने प्रीवियस डे के लो के नीचे एटलीस्ट 15 मिनट के कैंडल बंद कर दे, और वो कैंडल अगर 10:30 से पहले बनता है तो बहुत अच्छा प्रोमिनेंट एक सेल कैंडिडेट होता है इंट्राडे के लिए। इसमें ऐसा बना नहीं है। आरएसआई भी एक रिवर्सल सिग्नेचर दे रहा, तो कोई ऐसा बाइंग है यानी सेलिंग का पॉइंट बन नहीं रहा। इंट्राडे का हमारा आखिरी स्ट्रेटेजी पे चलते हैं। अच्छे खासे ये बहुत अच्छा आपको मिलेगा, अभी इसमें आप ले सकते हैं, क्योंकि ऐसे इसमें ऐसे स्टॉक्स आएंगे, ऐसे स्कैंस है कि अच्छे खासे आपके बाद अब उसमें प्रॉफिट बुकिंग आना है, या प्रॉफिट बुकिंग आ चुका है, अब यहाँ से वो रिवर्सल लेके नीचे के तरफ। बहुत सारे ऐसे आ, 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 क्लब मेंबर है जो पूछते हैं हमसे कि सर अब इसके ऊपर बाइंग है कि नहीं, तो ऑलरेडी वो ऐसे जोन पे आ जाते हैं ना कि उनका मोमेंटम अब खत्म होने वाला होता है और अब उनमें प्रॉफिट बुकिंग आने वाली होती है। इंट वाले पार्ट पे चलते हैं। सेम इसका 1:1.5 का रेशियो होगा रिस्क टू रिवॉर्ड का। कपिल जिस पे बात करते हैं, 1 मिनट मैं एक्सप्लेन कर दूं। पहले 1:1.5 का आपका रेशियो होगा और लेंथ ऑफ द ट्रेड सेम है, 3:20 से पहले आपको एग्जिट कर जाना है। स्कैंस पे बाय कर लेते हैं। हाई डिलीवरी घंटे, हाई इंक्रीज इन 1 मंथ, 1 महीने में प्राइस बहुत अच्छा खासा अप हुआ, तभी तो उसमें रिवर्सल आएगा ना। पर उसके अप होने के बाद भी बिलियम का परसेंटेज जो आ रहा है, आर वो वेरी सिग्नल दे रहा हो, और मैकडे क्रॉस सिंगल लाइन फ्रॉम एवप, ऊपर से वो सिंगल लाइन नीचे की तरफ टिल कर रहा हो, या उसका जो स्लोप है वो नीचे की तरफ हो, तो ये बहुत अच्छा एक रिवर्सल का कैंडिडेट बनता है। अब इंटरडे स्ट्रेटजी पे किसी का कोई क्वेश्चन, 5 मिनट इस पर डिस्कस कर लेते, फिर स्विंग वाले पे चलते हैं। कपिल जी का क्वेश्चन, विच इंडिकेटर आर टू बी मॉनिटर्ड। आरएसआई अच्छा काम करता है सर, आरएसआई बहुत अच्छा काम करता है, या एमएफआई अगर आप करते हो, एमएफआई पढ़ लीजिएगा थोड़ा, एमएफआई भी बहुत अच्छा काम करता है। किसी का इंटरडे स्ट्रेटजी पे, बुलिश या बेरिश पे कौन से कोई क्वेश्चन अगर हो तो स्विंग स्ट्रेटजी की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नहीं है तब क्या मूव करते हैं हम लोग, तब इंटरडे करेंगे सर। थैंक यू सर। इंडेक्स एंड स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चन मत पूछे, स्ट्रेटजी पे अगर कोई क्वेश्चन हो, एंट्री एग्जिट पे कोई क्वेश्चन हो तो वो हम लोग बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। सॉरी सर, बैंक निफ्टी पे स्टॉक स्पेसिफिक नहीं, एंट्री शुड बी आफ्टर 10:30 से। मैंने कहा कि अगर ऐसा आप अगर बुलिश ट्रेड कर रहे हो और बुलिश ट्रेड में अगर एक ऐसा कैंडल 10:30 से पहले बन जाता है, 10:30 से पहले बन जाता है जो कि अपने प्रीवियस डे के हाई के ऊपर बंद होता है, तो उस स्टॉक्स में मोमेंटम बहुत अच्छे से आने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, बहुत अच्छे से आने की पॉसिबिलिटी होती है। सेम इन द बेरिश कंडीशन, अगर 10:30 से पहले ऐसा कोई कैंडल बन जाता है जो उसके प्रीवियस डे के लो के नीचे जाके क्लोज कर जाता है, तो प्रोबेबिलिटी इज मच हायर कि वो स्टॉक डे के
के बाकी डे में नीचे की तरफ ही जाएगा। स्ट्रैटेजी ने पार्टिकुलर सर स्विंग स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे। टाइम फ्रेम सर इंटरडे ट्रेडर्स के लिए 15 मिनट का चार्ट देखना होता है। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर का, एस एन चंदा सर का, कि इंटरडे में बहुत टाइम में आपका 1:1.5 का जो रेशियो वो मैच नहीं करता। तो सर इसलिए तो आपको ये समझना होगा जो स्ट्रैटेजी है ये तो एक स्कैन है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द मल्टीपल स्कैन्स। अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1.5 का अगर मैच नहीं कर रहा है तो आपको ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, आपको ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। इंट्राडे ट्रेडर तभी सक्सेसफुल होता है जब वो अपने स्ट्रैटेजी पे एकदम पत्थर की तरह खड़ा रहे, और अगर तब तक उसको फेवरेबल ट्रेड नहीं मिलेगा वो नहीं करेगा, तभी जाकर वो सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकता है इन इंट्राडे। अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं देखेंगे, आप एंट्री पोजीशन नहीं देखोगे, एग्जिट नहीं देखोगे, एक सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर नहीं बना जा सकता। ये एक क्वेश्चन है, व्हेन आई विल टेक एग्जिट इन इंट्राडे स्टॉक। इंट्राडे स्टॉक में आप एग्जिट ले सकते हैं या तो स्टॉप लॉस पे, स्टॉप लॉस का रूल मैंने बहुत क्लियर बताया, या तो आप स्विंग लो अगर आपको दिख रहा है, अगर आप चार्ट पे स्विंग लो को देख सकते हैं आप स्विंग लो को पकड़ लीजिए, या तो प्रीवियस डे के लास्ट 30 मिनट का जो लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा। मोहिंदर जी, मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं आता, एफर्ट इज टू अंडरस्टैंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। सर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ही तो बता रहा हूं मैं आपको। हाँ, ये अशोक जी का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर इंट्राडे में गैप अप ओपन हो जाता है तो क्या ट्रेड लेना चाहिए। सर गैप अप ओपन में ट्रेड तभी आपको लेना चाहिए कि गैप अप ओपन का जो कैंडल है उस कैंडल के ऊपर उसका नेक्स्ट कैंडल बन जाए, ठीक है, तो ही लेना चाहिए। और इस केस में आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो गैप अप ओपन का जो कैंडल होगा उसका लो आपका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है अशोक जी, आपको क्लियर हो गया। अगर गैप अप होता है आप कैसे ले सकते हैं, गैप अप में तभी एंट्री करनी है अगर गैप अप कैंडल 15 मिनट के चार्ट में गैप अप हुआ, एक कैंडल फॉर्म हुआ, एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ, और नेक्स्ट कैंडल में अगर वो उसके ऊपर चला जाता है तो ही एंट्री बनती है, और उस केस में आपका जो स्टॉप लॉस है वो गैप अप कैंडल का लो होगा। ये बहुत अच्छा, ऑफकोर्स आप एंटर कर सकते हैं, जो मैंने भी कहा शिवाजी आप एंटर कर सकते हैं, अगर 1% का भी गैप अप आप एंटर कर सकते हैं, पर रूल सेम है, गैप अप ओपन का जो कैंडल हो बुलिश कैंडल होना चाहिए, और नेक्स्ट कैंडल का जो हाई होना चाहिए या नेक्स्ट कैंडल जो होना चाहिए उसके ऊपर होना चाहिए तब आप एंट्री ले सकते हो। एनी स्ट्रेटेजी फॉर इंडेक्स? नहीं सर, अभी तक इंडेक्स के लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं आया। नो सर, सुन ली सर, नहीं लाइफ मार्केट में तो रिफ्लेक्ट नहीं करता। सॉरी सर, यूनो मिंटा पे मैं बता नहीं कर सकता, सॉरी। हाँ, हाउ कैन बी एक्सेस द रिस्क टू रिवॉर्ड? रिस्क टू रिवॉर्ड को कैसे रख सकते हैं, जो आपका एंट्री पॉइंट है, ठीक है, जो भी आपका एंट्री पॉइंट है वो और आपका स्टॉप लॉस उसका जो गैप है उसको इनटू कर लीजिएगा 1.5 से, तो ये आपका रिस्क टू रिवॉर्ड डिफाइन कर देगा। सर स्विंग और पोजिशनल ट्रेडिंग जब डिस्कस करेंगे तो उस पर चलेंगे। नो सर, वी डू नॉट हैव। अगर गैप डाउन होता, सेम रूल है सर, अगर गैप डाउन होने के बाद उसका नेक्स्ट कैंडल, अगर नेक्स्ट कैंडल का जो लो है वो गैप डाउन के कैंडल का लो के नीचे नहीं हुआ तो उसमें एंट्री नहीं बनती, अगर वो ऐसा बनता तो आप एंट्री ले सकते हो, और उस केस में गैप डाउन कैंडल का जो हाई होगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा। हरीश शर्मा जी, सर हाउ मेनी ट्रेड्स वी शुड टेक इन अ डे? ऐसा कोई उसका कोई थंब रूल नहीं है, आप एक भी ले सकते हो अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल है, और अगर रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है तो आप एक भी नहीं ले सकते। और रविंद्र जी, इंट्राडे ट्रेड पर आने पर प्रॉफिट बुक करने का सेम रूल है, आप 50% एग्जिट कर लो और 50% अपने बाइंग को स्टॉप लॉस पकड़ सकते हो। सॉरी व्यून हिंडल को सर नहीं दे सकता, आप उसके लिए क्लब में है। जी, स्विंग ट्रेड का चल पता है, कैन यू प्लीज कॉम्बो स्कैन सर लास्ट में मैं बता दूंगा कहाँ मिलेगा आपको। थैंक यू सर। स्विंग स्ट्रैटेजी पे चलते हैं, अब हम अपनी बात करते हैं स्विंग बुलिश स्ट्रैटेजी पे। स्विंग बुलिश स्ट्रैटेजी पे भी तीन अपने स्ट्रैटेजी है,
एक ईगल है, एक डॉव है, एक फियोनेक्स है, तीनों का जो स्कैन्स उस पर बात करते हैं और उसका रूल्स पे बात कर लेते हैं। ईगल, ईगल पे हम लोग जाते हैं इंट्रो वाले पार्ट पे। ईगल क्या है? ईगल मोमेंटम है। ऐसे स्टॉक्स इसमें आते हैं स्कैन करके जो जिनका हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन और मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है और ये कंटिन्यू अप मूव पे, बहुत अच्छे प्राइस में अप मूव आ रहा है, वॉल्यूम के साथ अप मूव आ रहा है, तो ऐसे स्टॉक्स जो होता है स्कैन करके मोमेंटम जिनका स्ट्रांग होता है वो ईगल वाले पार्ट में आते हैं। ठीक है, इसका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1, 1:2 है, यानी 1 रुपया अगर आपका रिस्क है, अगर स्टॉप लॉस आपका 1 रुपया, तो आपका टारगेट 2 रुपया है। लेंथ ऑफ द ट्रेड, ये आप 2 दिन से लेकर 30 डेज तक कर सकते हो, मीन्स इंट्राडे ट्रेडर का जो लिमिटेशन था कि 9:15 से लेकर 3:30 तक ही ट्रेड कर सकते थे, स्विंग ट्रेडर्स 2 दिन से लेकर 30 दिन का ट्रेड ले सकते हैं, तो वो अपने कंफर्मेशन का वेट कर सकते हैं, कंफर्मेशन होने के बाद ही वो ट्रेड ले सकते हैं। स्कैन्स पे चलते हैं, इसका जो स्कैन से एक एक करके डिस्कस करते हैं। जो पहला है क्लोजेस्ट विद इन 52 वीक हाई जोन, क्योंकि मोमेंटम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए अपने हाई के आसपास, अपने 52 वीक हाई यानी ईयर के हाई के आसपास होना चाहिए, तो क्या उसका मोमेंटम स्ट्रांग है तभी वो वहां पर है, मतलब प्राइमरी ट्रेंड जो होता है साल का वो अप ट्रेंड ही होना चाहिए। स्टॉक आउट परफॉर्म बेंचमार्क इंडेक्स इन बोथ 1 वीक एंड 3 मंथ, मतलब कि ऐसा स्टॉक्स का जो है वो आउट परफॉर्म कर रहा है अपने बेंचमार्क इंडेक्स को 1 वीक में यानी शॉर्टर शॉर्टर टाइम फ्रेम, और 3 मंथ में, मतलब एक मिड टर्म टाइम फ्रेम बोल सकते हैं, 1 क्वार्टर के टाइम फ्रेम में, दोनों ही केसेस में अपने आउट बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करा। बेंचमार्क इंडेक्स क्या होता है? अगर निफ्टी 50 का कोई स्टॉक है तो निफ्टी 50 को बीट कर रहा है, निफ्टी 100 का कोई स्टॉक है तो निफ्टी 100 को बीट कर रहा है। स्टॉक आउट परफॉर्म सेक्टोरियल इंडेक्स इन बोथ 1 वीक एंड 3 मंथ, वो स्टॉक अपने सेक्टोरियल इंडेक्स, मतलब जैसे टाटा मोटर है तो जो निफ्टी 50 का भी पार्ट है और साथ ही साथ निफ्टी ऑटो का भी पार्ट है, तो ऐसे स्टॉक जो अपने सेक्टोरियल इंडेक्स को, मतलब कि अपने जो उसके उस सेक्टर के और भी सारे स्टॉक्स हैं उनको भी वो आउट परफॉर्म कर रहा है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न, इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम प्राइस के चेंज होने के, तो ऐसे स्टॉक्स अच्छा करते हैं। स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्म बेंचमार्क इंडेक्स RS जो इंडिकेटर है, विवेक सर का फेवरेट इंडिकेटर है, जो बेंचमार्क आउट परफॉर्म कर रहा है, बेंचमार्क मतलब निफ्टी 50 को वो बीट करके ऊपर की तरफ जा रहा है, स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्म सेक्टोरियल इंडेक्स को भी बीट कर रहा है, बोथ SRS एंड ARS अबव 0, दोनों के दोनों इंडिकेटर का जो है तो 0 का अबव होना चाहिए। थोड़ा फंडामेंटल है क्योंकि 1 महीने का ट्रेड है तो कोई इसमें फंसे नहीं, तो इसलिए थोड़ा फंडामेंटल पार्ट को भी इंक्लूड किया गया हुआ है। तो हाई रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब कि जिसका रिटर्न ऑफ इक्विटी इज पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ है, हाई है। कंसिस्टेंट सेल ग्रोथ रेशियो, मतलब कि कंपनी का जो टॉप लाइन है वो ग्रोथ कर रहा है, कंपनी में कंटिन्यू सेल्स में ग्रोथ हो रहा है। कंसिस्टेंट कैश फ्रॉम ऑपरेशन, कंपनी कैश रिच होनी चाहिए और जो कैश है वो ऑपरेशन से आना चाहिए, ना कि नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश आना चाहिए। स्टॉक्स पे चलते हैं, स्टॉक्स में परफेक्ट मैच में आपका है पॉली मेडिक्योर पे बात कर लेते हैं, इसको डेली चार्ट पे कर लेते हैं। स्विंग ट्रेडर पोजिशनल ट्रेडर एटलीस्ट डेली चार्ट देखेंगे, पोजिशनल वीकली भी देख सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है। पॉलीमेटिक ये देखिए बहुत ही अच्छा, एक अच्छा खासा एक ट्रेड बन रहा है, अपने 50 रुपये हाई के आसपास ही है, RSI भी बुलिश इंडिकेट कर रहा है, सुपर ट्रेंड भी, आई थिंक सुपर ट्रेंड भी इसका बुलिश ही है। ये इसका प्रीवियस हाई है, एंट्री पे बात कर लेते हैं। तो अगर मान लीजिए मुझे इस स्कैन के बेसिस पर का ट्रेड लेना है तो मैं कैसे ट्रेड लूंगा? ये तो मेरा आज का क्लोजिंग है, मैं अपने ट्रेड लूंगा प्रीवियस जो उसका हाई है या रिसेंट हाई है उसके क्लोजिंग के ऊपर, तो मेरा अभी तक इसमें एंट्री जनरेट नहीं हुआ, एंट्री बन नहीं रहा क्योंकि अपने ये प्रीवियस हाई के नीचे ही है, तो अगर ये अपने इस हाई के मतलब 2031 के ऊपर ये क्लोज कर जाता है तो मेरा एंट्री बन रहा है, क्योंकि ये 2 दिन से लेकर 30 दिन का ट्रेड है। ठीक है, 2 दिन से लेकर 30 दिन का ट्रेड है, तो इसमें आपको जो एंट्री है वो अपने रिसेंट प्रीवियस हाई के ऊपर ही लेनी चाहिए, तो ये आपका एंट्री पॉइंट बनता है। स्टॉप लॉस, इसमें स्टॉप लॉस आप इस बड़े से बुलिश कैंडल के लो को भी ले सकते हैं। ठीक है, सॉरी,
इस कैंडल के लो को भी ले सकते हैं जो कि इसका रिसेंट अच्छा खासा एक लो है जहां से इसने अच्छा खासा स्पाइक देके बुलिश बनाया है। तो अब इसका आपका रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे आइडेंटिफाई करें, रिस्क टू रिवॉर्ड करेंगे 1850 और इसका जो हाई है 2031, मतलब यहाँ 30 और यहाँ 50 ऑलमोस्ट 80 रुपए। तो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो एटलीस्ट 160 का होना चाहिए। तो अगर ये 2031 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो मेरा जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2120 2140 के आसपास बनता है। तो ये रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल है क्योंकि इसके ऊपर का कोई लेवल नहीं था। फिबोनाची एक्सटेंशन भी यूज कर सकते हैं नेक्स्ट टेबल निकालने के लिए, ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन उसको यूज करके भी उसका नेक्स्ट टेबल निकाल सकते हैं। हम चलते हैं डब के तब कंट्रोल्यूशन पैटर्न, कंट्रोल्यूशन पैटर्न उसको कहते हैं जिसमें एक अच्छे खासे अप मूव के बाद एक साइड वाइज फेस आ जाए, उसके बाद वो अपने फिर से प्राइमरी ट्रेंड को फॉलो करता है। इसको कंट्रोल्यूशन पैटर्न बोलते हैं जिसमें अच्छे खासे स्पाइक के बाद स्टॉक थोड़ा कंट्रोल्यूशन फेस पे चला जाता है 3 4 10 दिन 7 दिन के लिए, उसके बाद वो फिर से अपने उस प्राइमरी ट्रेंड को फॉलो करता है। इसका रिस्क टू रिवॉर्ड देख लेते हैं, इसका भी सेम ड्यूरेशन होता है 2 दिन से लेकर 30 दिन तक का आप ट्रेड ले सकते हो। इसका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1.2 होता है, यानी 1 रुपए के लिए आप 2 रुपए तक का आप ये देख सकते हो, टारगेट देख सकते हो। स्कैंस पे बात कर लेते हैं, क्लोजेस अब प्रीवियस हाई, अपने प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज किया है, हाई इंक्रीज इन 6 मंथ, 6 मंथ से स्टॉक अच्छा खासा परफॉर्म कर अपने हायर प्राइस के आसपास ही है। आरएसआई स्टैंडिंग अप, आरएसआई स्टैंडिंग अप का मतलब होता है आरएसआई 50 के ऊपर है, ठीक है, और उसका जो स्लोप है ऊपर की तरफ जा रहा है। एंड विलियम परसेंटेज आर इज बुलिश, अगर एक सारा कंडीशन मिलते हैं तो आपका ये डॉप स्ट्रेटेजी का फॉर्मेशन होता है। इसमें ऑलमोस्ट देयर है, ऑलमोस्ट देयर का मतलब जो 70-80% हमारे स्कैंस को मैच करता है। एचजी पे चलते हैं, सर राजीव रंजीव जी मैंने 2031 का, नॉट 2013, 2031 जो उसका प्रीवियस हाई है। चलते हैं इस पर एचजी पे, इसका भी सेम रूल एंट्री का कि अपने रिसेंट हाई के ऊपर अगर सस्टेन कर जाए तो लेना है। इसका ये रहा, ये इसका रिसेंट हाई है जो कि है 2350। अगर ये 2350 का ये कैंडल बना, बुलिश कैंडल बनाते बनाते लास्ट में बेरिस बन गया, एक प्रॉफिट बुकिंग आ गया, तो अगर इसमें मुझे ट्रेड लेना है क्योंकि 2 दिन से 30 दिन का ट्रेड है तो मेरे पास टाइम है, मैं वेट कर सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ। और अगर ये इसके ऊपर सस्टेन कर जाए 2030 के ऊपर, 2350 के ऊपर, तो एक अच्छा खासा मेरा बाइंग कैंडिडेट बन सकता है। स्टॉप लॉस इस वाले केस में मेरा ये होगा 2185, या जो इस बड़े से कैंडल का लो है 2179, ये मेरा आपका स्टॉप लॉस होता है ऑन द क्लोजिंग बेसिस। तो जो इसका और इसका गैप है उसको मैं 2 से इनटू कर दूंगा तो मेरा टारगेट निकल जाएगा प्राइमरी टारगेट। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने तीसरे स्विंग स्ट्रेटेजी की तरफ। जो कि एक रिवर्सल स्ट्रेटेजी है, स्विंग रिवर्सल स्ट्रेटेजी जिसको फ्यूनेक्स भी बोलते हैं हम लोग। में स्टॉक्स में तो कुछ है नहीं, इंट्रो वाले पार्ट पे चलते हैं। ऐसे स्टॉक जो एक अच्छा खासा करेक्शन दे रहे थे और फिर सडनली से उनमें बाइंग जनरेट हो रहा है, जो शॉर्ट टर्म एक अच्छा खासा रिवर्सल का सिग्नेचर दे रहे हैं, तो ऐसे स्टॉक्स इसमें आते हैं। इसका आपका रिस्क टू रिवॉर्ड देख लेते हैं, इसका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1.2 है, लेंथ ऑफ द ट्रेड सारे स्विंग ट्रेड का सेम है, 2 दिन से लेकर 30 दिन तक का ट्रेड लेते हो, ठीक है, 2 से 3 दिन का आप ट्रेड लेते हो इसमें, 2 से 30 दिन का ट्रेड लेते हो। और इसका स्कैन देख लेते हैं क्योंकि एक रिवर्सल स्ट्रेटेजी है, तो इसमें एक अच्छे खासे डाउनफॉल के बाद स्टॉक फिर से रिवर्सल लेने का ट्राई करता है। क्लोजेस बिलो लास्ट मंथ लो, लास्ट मंथ के लो के नीचे बंद होना चाहिए, पर सीसीआई इज बुलिश, विलियम परसेंटेज आर इज बुलिश, और बुलिश इंगल्फिंग का फॉर्मेशन अगर होता है
तो एक बहुत अच्छा एक रिवर्सल कैंडिडेट है, ऐसा कुछ स्टॉक्स अभी है नहीं इसमें। और लोग चलते स्विंग बेरिश स्ट्रेटेजी की तरफ। स्विंग बेरिश स्ट्रेटेजी में भी तीन स्ट्रेटेजी है। सो स्विंग स्ट्रेटेजी में भी तीन है, फैल्कन, रेवन एंड सीगल, ये सारे के सारे बेरिश स्ट्रेटेजी है। फैल्कन मतलब ऐसे स्टॉक जो कंटिन्यू लोअर 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 हाई का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिनमें अपने सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स को तोड़ दे रहे हो और एक न्यू लो की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे स्टॉक फैल्कन में आते हैं। इसके इंट्रो वाले पार्ट पे चल जाते हैं। इसका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 है, 1 रुपया का अगर आप रिस्क है तो आपका रिवॉर्ड जो आपका टारगेट हो 2 रुपये होना चाहिए। लेंथ ऑफ द ट्रेड है इसमें 2 दिन से लेकर 30 दिन तक का आप ट्रेड ले सकते हो। स्कैंस पे चलते हैं। क्लोजेस विद इन 52 वीक लो जोन। 52 वीक लो जोन मतलब जिसका एक ओवरऑल जो ट्रेंड है, साल का जो ट्रेंड है वो नेगेटिव ही है। स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है बेंचमार्क इंडेक्स को बोथ टाइम फ्रेम में, इन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम 1 वीक एंड 3 मंथ मतलब एक मिड टर्म टाइम फ्रेम में भी वो अंडर परफॉर्म कर रहा है। स्टॉक अंडर परफॉर्म सेक्टोरियल इंडेक्स इन बोथ 1 वीक। हेलो हेलो और आरएसआई ट्रेंडिंग में विलियम परसेंटेजेस भी एक बेरी सिग्नेचर साइन कर रहा है। और आखिरी बेरी स्ट्रेटेजी है दैट इज सिकल, एक रिवर्सल पैटर्न, एक स्टॉक अच्छे खासा अप मूव के बाद उसमें एक सडनली उसमें प्रॉफिट बुकिंग आता है और एक करेक्शन होने लगता है। तो ऐसे स्टॉक जो होते हैं सिकल में आते हैं जो अच्छे खासे अप मूव के बाद अब उनमें प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन मोड स्टार्ट होता है। इंट्रो वाले पार्ट पे चलते हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड इज 1:1, 1:2, 1 रुपए के लिए आप 2 रुपए ले दो। और इसका लेंथ ऑफ द ट्रेड इज 2 दिन से लेकर 30 दिन तक का होता है। क्लोजेस एफ ऑफ लास्ट मंथ हाई, जैसे मैंने कहा एक अच्छे अप मूव के बाद उसमें प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन आना चाहिए। बट सीसीआई इज बेरिस, विलियम परसेंटेज आर इज बेरिस एंड बेरिस इंग्राम फिन, एंड एक नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन होता है, तो एक साइन होता है जिसमें प्रॉफिट बुकिंग आ गया है और उसके बाद एक प्राइस करेक्शन आ रहा है। और अब आखिरी हम लोग अपने बुलिश पोजिशनल बुलिश स्ट्रेटेजी की तरफ चलते हैं।
इसमें भी तीन होता है, सर्फिंग, रोइंग एंड फिशिंग। सर्फिंग का मतलब मोमेंटम, ऐसे स्टॉक जो कंटिन्यू मंथ ऑन मंथ से अपने न्यू हाई न्यू लो को फॉर्मेशन कर रहे हैं, उनका अच्छा खासा अप मूव है और वो अपने 52 के हाई के आसपास है, तो ऐसे स्टॉक्स जो है वो सर्फिंग की तरफ आते हैं, इंट्रो वाले पार्ट में चलते हैं। ये 1 महीने से लेकर 3 महीने तक का ट्रेड लेते हैं हम लोग, टेक्स टू डिवाइड इज 1:1 to 3 months, और इसका जो रेशियो होता है 1:3 होता है, 1 रुपए के लिए आप 3 रुपए तक का टारगेट देख सकते हो। स्कैंस पे चलते हैं, हाई डिलीवरी इन क्वांटिटी, हाई इंक्रीज इन 1 month, हाई इंक्रीज इन 3 month, हाई इंक्रीज इन 1 year, क्लोजेस एवर अपर बोलिंगर बैंड फ्रॉम लो, और सेल्स जो होता है कंटिन्यू ग्रोथ अगर करता है, तो ऐसे स्टॉक सर्फिंग मोमेंटम में आते हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। परफेक्ट मैच में इसमें हिमाद्री स्पेशल केमिकल है जो कि बहुत अच्छा है, 5% ऊपर की तरफ गया हुआ है। इसका भी सेम रूल है, अगर प्रीवियस वीक प्रीवियस हाई के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो आप इसमें एंट्री ले सकते हो, और इसमें लो पोजिशनल ट्रेडर का स्टॉप लॉस जो होता है वो आप प्रीवियस वीक का लो ले सकते हो, प्रीवियस वीक का जो आपका लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा इन पोजिशनल, एंड स्विंग ट्रेडिंग में आप उस वीक के करंट जो आपका स्विंग ट्रेडिंग है तो उस करंट वीक का जो लो होगा उसको आप ले सकते हैं। रोइंग है, कंट्रीब्यूशन पैटर्न है, एक अच्छे खासे अपअप के बाद प्राइस साइडवाइज में चला गया और फिर उसके बाद अपअप ले रहा है, ऐसे स्टॉक रोइंग में आते हैं। इंट्रो सेम है इसका, 3 दिन, 1 दिन से आप 1 महीने से लेकर 3 महीने तक का ट्रेड करते हो, रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1.3 है। स्कैंस पे चलते हैं, क्लोजेस विद इन 52 वीक हाई जोन एंड R4, NR4 जो कैंडल होता है उसका फॉर्मेशन हो जाए, प्राइस नेरिंग सुपर ट्रेंड सपोर्ट, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट ग्रोथ ईयर एंड ईयर होना चाहिए, हाई इंक्रीज इन क्वार्टर सेल्स होना चाहिए ईयर एंड ईयर बेसिस पे, कंसिस्टेंट कैश फ्रॉम ऑपरेशन आना चाहिए। लास्ट पोजिशनल का है फिशिंग, फिशिंग का भी रूल सेम है 1:2, इसमें आप 1 महीने से तक के लेके 3 महीने तक का ट्रेड ले सकते हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड इज 1:1.1:3, 1 रुपए के लिए आप 3 रुपए तक का टारगेट देख सकते हैं। स्कैन है, क्लोज इन विद इन, क्योंकि एक फिशिंग है आप स्टॉक को लो पे पकड़ते हैं, उसके बाद इसमें अच्छा खासा मूव आ सकता है, क्लोज इन विद इन 52 वीक लो जोन, क्लोजेस अबव लास्ट वीक हाई, सुपर ट्रेंड सिग्नल चेंज टू बाय, एग्रेसिव शॉर्ट शॉर्ट कवरिंग हो रहा है एफएनओ में, उसमें शॉर्ट कवरिंग का भी सिग्नेचर, इंक्रीज इन डीआई शेयरहोल्डिंग, मतलब इंडियन म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी जो है वो अपना स्टेक स्टॉक में बढ़ा रहे हैं, ऐसे स्टॉक्स आपको स्कैंस पे आते हैं तो फिशिंग होते हैं, स्टॉक्स में इसमें कोई परफेक्ट मैच में है नहीं। पोजिशनल बेरी स्ट्रैटेजी की तरफ चलते हैं, इसमें भी तीन स्ट्रैटेजी है, सिकिंग, ग्लीडिंग एंड स्लाइडिंग मोमेंटम। सिकिंग मतलब मंथ ऑन मंथ से आपका फॉर्मेशन कर रहा है जिसमें किसी भी तरीके का बाइंग नहीं आ रही है,